नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया जाए, वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करो। आपकी कक्षा चालू हो चुकी है। आज बहुत ही बढ़िया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉर्ड एंड इंडिसेस, यानी घातांक और करणी। बड़ा डाउट होता है जब भी हम घातांक और करणी लगाने के लिए बैठते हैं तो बड़ा डाउट होता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इस चैप्टर से डरने लगता है। तो दोस्तों, डरने की बात नहीं है, यहां पर हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं जहां से आपको मैथ्स आसान लगने वाली है, ये बिल्कुल श्योर है। और आप अगर नहीं मानते हैं तो ये क्लास आप रुककर जरूर देखिए। और यहां पर शर्त ये है कि वीडियो को पूरा देखना है। क्या है? वीडियो को पूरा देखना है। तो दबाकर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और आते ही लाइक का बटन दबाना है। और जल्दी से बता दीजिए आप कहां से जुड़ रहे हो, फटाफट कमेंट करिए और जल्दी से बताइए। यहां पर जुड़ चुके हैं धीरेंद्र राघव जी, गुड इवनिंग। भाग्यश्री राजपूत, भीमसेन राजपूत, अश्वनी, नैन्सी पाल, जागृति, राधे चतुर्वेदी, प्रियांशी दुबे, बहुत बढ़िया। धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दो। गुड इवनिंग सतीश तांदेकर जी, पंकज सौरभ सिंह, पंकज मधोई, वेरी गुड। राधिका सोनी, सौरभ सिंह बोला लैपटॉप, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। सभी को शुभ संध्या। बहुत बढ़िया, वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो। एक एक लड़के को लगाना है आज व्हाट्सएप पर, ठीक है? तो चलिए, हमारा मिशन जो चल रहा है, मिशन क्या चल रहा है? परिवार बढ़ाओ मिशन। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, यकीनन हम अपने सब्सक्राइबर जल्द ही ओपन करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? जल्दी से 1 लाख करना है। कितने करने हैं? 1 लाख करना है। तो आपका टारगेट है तो अपना परिवार बढ़ाओ। चलो तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉर्ड एंड इंडिसेस। लेकिन उससे पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन आपके सामने है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। आपको तो केवल छोटी सी नौकरी लेनी है दोस्त, और उस मंजिल तक हम आपको पहुंचा कर ही मानेंगे। यकीनन आप इसको अभी एक पेन और डायरी उठाइए और उसको नोट करिए कि अब अंबु सर ने वादा किया है तो यकीनन वो वादा पूरा करके ही जाएंगे। दोस्तों, कल का दिन और आज का दिन काफी दिक्कतों से भरा हुआ था। कल के दिन की मैं बात बता दूं, नेट नहीं चल रहा था और आज के दिन भी यही प्रॉब्लम थी। तो ये समझ लीजिए कई बार हमें कॉल्स करनी पड़ी और कई बच्चों के कॉल्स भी आए, सर नेट नहीं चल रहा है, सर क्लास नहीं होगी क्या? तो देखिए, नेट चला है 9:16 पर और आपके सामने मैं उपस्थित हो गया हूं 9:16 पर। ये मान लीजिए एग्जैक्ट 9:16 पर ही नेट चला हुआ है, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलते हैं शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? सॉर्ड एंड इंडिसेस। तो आपके सामने ये आ चुका है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो किताब चल रही है वो किताब कौन सी है? एसडी यादव किताब है। कौन सी किताब है दोस्त? एसडी यादव किताब है, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये कौन सा चैप्टर है? तो घातांक करणी। कौन सा चैप्टर है? घातांक करणी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट कहीं एकांत जगह पर बैठिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां से फोकस अच्छा होता है। क्या होता है? वहां से फोकस अच्छा होता है तो पिक्चर क्लियर होती है दोस्त। चलो भाई। तो दोस्तों, घातांक या घात होता क्या है तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। घातांक और घात होता क्या है एक बार हम जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए किसी राशि को 10^5 में 10 को आधार तथा 5 को 10^5 कहते हैं। जैसे आपको यहां पर कह दिया गया है 10^5, तो बेटा 10 क्या है? 10 आधार है, यानी बेस कहते हैं। 10 क्या है? तो 10 को बेस कहते हैं। आज से ये सारी चीजें आपको रट जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? रट जानी चाहिए। बड़ी बेसिक से चल रहे हैं, एक बच्चे को मैं लेकर चल रहा हूं यहां पर। अब कोई यहां पर शिकायत नहीं करेगा कि इसको समझ में नहीं आया कि उसको समझ में नहीं आया। दोस्तों, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बेस कहते हैं, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको घात कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्कहते हैं दोस्त? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है? अब यहां पर लिखा है राशि 10^10 में 10 को आधार तथा 5 को 10^5 कहते हैं, ठीक है? इतना समझ गए ना? अब यहीं पर मेरे लाल आगे चलते हैं और यहां पर देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है, उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। जितनी बार गुणा करते हो उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। दोस्त, जैसे मैंने यहां पर क्या करना है, 3
इंटू तीन इंटू तीन, तीन को कितने बार गुणा किया उसी से, तीन बार गुणा किया, तीन को अब कितने बार गुणा किया तो चार बार गुणा किया, चार बार गुणा किया है ना, तो चार को हम क्या कहते हैं, चार को बेटा तीन की पावर कहते हैं, चार को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। बात इतनी कंफर्म है, बात इतनी समझ में आ रही है, यहां पर तीन कितने बार गुणे में लिखा जाएगा, चार बार। आपसे कह देता तीन की पावर दस, तो तीन कितने बार लिखा हुआ है गुणे में, तो तीन लिखा हुआ है दस बार। आप ऐसे करके कितने बार लिख दोगे इसको, दस बार लिख दोगे, कितने बार लिख दोगे, दस बार लिख दोगे, और गुणे में होना चाहिए। बात इतनी कंफर्म है, बात इतनी कंफर्म है, वेरी गुड वेरी गुड, धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो भाई। चलो अब चलते हैं अगली तरफ, अगली हाँ, तो कुछ नियम हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नियम हैं कुछ, उनको हमें सीखना है, क्योंकि जितना अच्छा हम बेसिक से सीखेंगे उतना ही ज्यादा ये चैप्टर आसान लगने वाला है, और यकीनन बड़ा आसान है, सबसे आसान है, ठीक है। बस क्या है, हमें कुछ बेसिक चीजें सीखनी है और वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए, तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर क्या आ गया है, ए की पावर एम, यानी यहां का कहने का मतलब क्या है, अगर बेस तुम्हारा सेम है, यहां पर नोट लगा लो बच्चा, नोट लगा लो, और आज से नोट करना स्टार्ट भी कर दो, अगर कुछ सीखना है तुम्हें नोट लगा लो, और ऐसे ऐसे नोट बताऊंगा, ऐसे ऐसे नोट बताऊंगा जिनसे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा नोट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा नोट मिलेंगे, आपका बैंक बैलेंस ना, बैंक बैलेंस ना भर जाएगा, क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो लगा लो भाई एक नोट, ये नोट कह रहा है कि जब बेस समान हो, जब बेस यानी आधार, आधार सेम हो, क्या हो मेरे लाल, सेम हो, जब आधार क्या हो, सेम हो, तो गुणे में, किसमें, गुणे में, गुणे में घाते, घाते क्या होते हैं, पावर होती है, घात क्या होती है, पावर को कहते हैं, घात जुड़ जाती हैं, घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इतनी बात आपको केवल समझनी है, ये पहला नोट है और बड़ा प्यारा सा नोट है, जब आधार सेम हो। अब आधार क्या है बेटा, ए और एम में नीचे वाला आधार होता है, ये आधार है, ये आधार है, और ये आधार है, देखो सब में आधार सेम है ना, तो गुणे में, गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणे में ए लिख दिया हमने, गुणे में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, यहां पर एम है फिर एन, ये बेटा एन है यहां पर, तो m प्लस एन प्लस वन हो गया ना, m प्लस एन प्लस वन हो गया, यानी जब भी अब कोई संख्या हम ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं, जैसे दो की पावर दस है इंटू दो की पावर पचास है इंटू दो की पावर सत्तर है, तो बेटा हमने यहां पर देखा जब आधार सेम है तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती है, जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, हमने देखा आधार सब में क्या है, दो ही दो है, सेम है, तो बेटा पावर को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, यानी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, दो की पावर पचास, दस साठ, साठ साठ एक सौ बीस, यानी एक सौ तीस, कितना निकलेगा मेरे लाल, एक सौ तीस निकलेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, तो चलो इसी को आगे हम बढ़ाते हुए फिर सीखते हैं, जिसको भी डाउट है वो सब कोई सीखेगा। देखो यहां पर कहते थे तीन की पावर चार इंटू तीन की पावर पांच इंटू तीन की पावर छह इंटू तीन की पावर सात, ये दिया होता, ये दिया होता, तब हम क्या करते, तब हम क्या करते, केवल देखा हमने आधार सबका सेम है और बीच में लगा है गुणे का निशान, तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर को हम जोड़ लेंगे, तो पांच चार नौ छह पंद्रह सात बाईस, कितना हो जाएगा, तीन की पावर, तीन की पावर बाईस, तीन की पावर बाईस। बात इतनी समझ में आ रही है, बात इतनी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया सुजीत पाल जी, खुश रहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतनी बात समझ में आ गई है, चलो आगे चलते हैं हम, अब आते हैं अगले नियम पर। तो अगला नियम दोस्त क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं, हाँ अगला प्रश्न है घातांकी भाग पर, किस पर, अब हम घातांकी भाग पर अगला प्रश्न देखेंगे। चलो ये नियम क्या सिखा रहा है, ये नियम सिखा रहा है मेरे बच्चे कि जब डिवाइड का निशान हो, बीच में भाग का निशान हो, जब बीच में किसका निशान हो, भाग का निशान हो, डिवाइड का निशान हो, तब क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाती है, पावर आपस में घट जाती है, माइनस हो जाती है। यहां पर देखा आधार सेम है, नोट लगाओ, नोट लगाओ, यहां पर भी नोट लगाओ जल्दी से, जब आधार
सेम हो, जब आधार सेम हो तो डिवाइड में घात, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पावर कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो पावर, तो घात पावर क्या हो जाती है, जुड़ सॉरी घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। इतनी बात और नोट कर लो, इतनी बात और नोट कर लो, जब आधार सेम हो तो डिवाइड में घाते घट जाती हैं। तो भैया देखो यहां पर डिवाइड लगा हुआ है, तो हम कहेंगे अब अगर डिवाइड लगा है तो m माइनस एन हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। क्या बात यही हमने लिखी है, क्या बात हमने यही लिखी है, जब भी डिवाइड का निशान हो पावर और घात, आधार देखो सेम है, इधर भी ए है इधर भी ए है, बीच में भागित का निशान है, अगर भागित का निशान है तो एम में एन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। छोटे छोटे नियम है, इनको हमें सीखते रहना है। आगे चलो भाई, आगे चलो, यहां पर भी देख लेते हैं। देखो भाई यहां x की पावर 13 है, यहां x की पावर 8 है, तो हम इसको कह सकते हैं 13 में 8 सीधा घटा दो, 13 में सीधा 8 घटा दो, कितना आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा। देखो यही कह रहा ना, x की पावर 13 माइनस 8, और 13 माइनस 8 का आंसर क्या होता है, 5 होता है। यानी हम इसको डायरेक्ट, जब भी आधार सेम हो, जब भी आधार सेम हो तो बीच में अगर निशान डिवाइड का लगा है तो घाते घट जाएंगी, घाते पावर घट जाएंगी, और जब भी यहां पर इनटू का निशान लिखा हो तो आधार सेम होने पर पावर जुड़ जाती है। इतना बस हमने अभी बताया है, तो चलिए अगले पर चलते हैं हम लोग। अब घात की घात वाले जैसे आपको मिल जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब मेरे लाल हम क्या करेंगे, जब घात की घात मिल जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, हम आपको यहां पर सिखाना चाहते हैं। जैसे बाय चांस कभी आपको 2 की पावर 2 मिला और एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर मिल गया 2, फिर क्या कर दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया और फिर मिल गया 2, ठीक है, ऐसे मिल गया है, ऐसे मिल गया है, और आपको यहीं पर 2 की पावर 2 कोई ब्रैकेट नहीं है, 2 की पावर 2 कोई ब्रैकेट नहीं है, 2 की पावर 2 कोई ब्रैकेट नहीं है। तो मेरे लाल इसका सॉल्व सॉल्यूशन और इसका हल, इसका हल और इसका हल दोनों का अलग है, एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो कभी ये गलती नहीं होगी, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको समझनी है, और वो हम पूरा समझा ले जाएंगे आपको, बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस है, मैं आपको वो चीज सिखा ले जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो यहां पर, जब यहां पर क्या लगा हो, ब्रैकेट लगे हो, तब बेटा घातों का गुणा होता है, क्या होता है, घातों का गुणा होता है, यानी ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो एक गुणा लग जाएगा यहां पर, ठीक है, और जब ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तब भी एक गुणा लग जाएगा, यानी 2 × 4 × 8, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 है ना, तो इसको लिखेंगे 2 × 2, तो 2 × 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, यानी 2 की पावर 4 लिखा हुआ है ये, अब 2 की पावर 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 को कितने बार लिखना है, 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 4 × 8 × 16, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 16 आएगा, कितना आएगा, 2 की पावर 16 आएगा। अच्छा इसको सॉल्व किया तो ये अलग है, इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर 8 ही आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। देखो यहीं पर 3 की पावर 2 की पावर अगर 2 होता, 3 की पावर 2 होता, ठीक है, तो हम कहते हैं 3 की पावर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 को 2 बार लिख दो, 3 × 3 हो जाता, तो कितना हो जाता है, 3 की पावर 3 × 9, इसका आंसर ये आ जाता, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 की पावर 3 कितने बार लिखना है, 2 बार, तो 3 × 3 हो गया। अब 3 × 3 होता कितना है, तो 3 × 3 = 9 होता है, तो 3 की पावर 9 इसका आंसर कितना आ जाता, 3 की पावर 9 आ जाता, फिर कुछ भी सॉल्व कर लेते। लेकिन यहीं पर बेचा अगर ब्रैकेट लगा देते 3 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा देते कितना, 2 कर देते, तब कितना आता, तब बेटा हमने बताया ना, जब भी ब्रैकेट आप हटाओगे तो ब्रैकेट हटाओगे तो गुणा लग जाएगा, क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे गुणा लग जाएगा, ठीक है। तो 3 × 6, 3 की पावर कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको सीखनी है, ये भी चीज आप सीख चुके हो। अब चलते हैं अगले अगले टाइप पर।
अब व्युत्क्रम का नियम क्या है, व्युत्क्रम का नियम भी सीख लेते हैं। देखो यहां पर व्युत्क्रम का नियम बड़ा आसान है। देखो कह रहे हैं ना, ए की पावर अगर एम है, ए की पावर अगर एम है और इसको तुमको उल्टा करना है, व्युत्क्रम यानी इनवर्स करना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चा, रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स, क्या होता है, इनवर्स होता है। व्युत्क्रम को अगर इनवर्स करना है तो हम ए की पावर एम को हम क्या करना चाहते हैं, इनवर्स करना चाहते हैं। तो वन अपॉन इसके बराबर ही वैल्यू रखनी है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, अगर ऊपर एम प्लस में है तो नीचे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे दो की पावर अगर कहीं नौ लिखा है, इसको हमें नीचे ले जाना है दो की पावर नौ को, तो हम दो की पावर नौ को हम कह सकते हैं एक की पावर दो, एक बटे दो की पावर माइनस नौ लिखा है, बिल्कुल बराबर है। ये क्या है, दोनों चीजें बराबर है। ठीक है, तो हम कह दे दस की पावर अगर एक हजार दिया गया है, तो अगर इसको हमें बटे में लिखना है तो हम कहेंगे इसको एक बटे दस की पावर हम माइनस क्या कर सकते हैं, एक हजार लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई है ना, बात समझ में आ गई है ना ये। चलो अगले नियम पर चलते हैं फिर से, बातें देखो समझते रहिए, बातें आप लोग सभी लोग समझते रहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर माइनस होता तो ए की पावर माइनस एन है तो नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा, बात वही है। अगर अगर यहां पर पूछ लेता आपसे दो की पावर चार दिया है, माइनस का दे दिया दो की पावर चार माइनस में, और क्वेश्चन काफी मिलेंगे जिसमें माइनस लगा होगा। ठीक है, तो दो की पावर माइनस चार दिया है तो हम कहेंगे एक बटे, इसको प्लस करना है, इस माइनस को प्लस करना है तो बटे में चली जाएगी संख्या, वन बाई टू की पावर प्लस का फोर हो जाएगा, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, यहीं पर अगर हमें दे दिया गया है तीन की पावर माइनस का कितना सौ, तो इसको बेटा बटे में तुरंत माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, वन बाई थ्री की पावर प्लस का क्या कर देंगे, हंड्रेड। तो बात इतनी भी आपको समझ में आ गई होगी कि ऊपर नीचे करेंगे तो निशान चेंज होंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो निशान चेंज होंगे, बातें समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं, हम अब आगे चलते हैं, अब यहीं पर एक चीज और सीख लेते हैं, इस चीज को हमें भी क्या करना है, सीखना है। देखो ये क्या कह रहा है, अगर बाई चांस कभी आपको दो बटे तीन लिखा हुआ है, दो बटे तीन लिखा हुआ है और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है माइनस का पंद्रह, तो इस पावर को अगर प्लस में करना है तुम्हें, इस पावर को अगर प्लस में करना है तुम्हें, माइनस में है तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीन बटे दो और पावर माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस का पंद्रह हो जाएगी, प्लस का पंद्रह हो जाएगी, यानी कि अगर तुम्हें प्लस से माइनस करना है तब भी पलटेगा। जैसे अगर एक बटे चार लिखा होता और एक बटे चार की पावर अगर चार होती और इसे पलटना होता तो हम कह देते हैं चार बटे एक की पावर माइनस फोर हो गया, कितना हो गया, माइनस फोर। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई है, ये भी बात आपको समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल रंजीत कुमार, रविंद्र जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज मैं खुद लेट हो गया था और ये सब इशू हुआ क्यों, तो नेट के कारण हुआ। व्युत्क्रम घात का नियम देख लेते हैं, व्युत्क्रम घात का नियम क्या है, जैसे a की पावर n बराबर b है तो a की पावर जो, जैसे हम यहां पर समझते हैं, यहां पर a की पावर n है और यहां पर बराबर b है, तो n जब पक्षांतर कहते हैं इसको, पक्षांतर करना, जब n को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये जो n है वो 1 बाई n हो जाएगा, पावर में ही रहेगा लेकिन n क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, पावर में रहकर बटे में आ जाएगा। जैसे हम कह दें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, इसको बटे में अगर भेजा जाए, इसको उधर भेजा जाए, पक्षांतर किया जाए, अगर इधर बराबर के इधर भेजा जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उधर भेजा जाए, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं a प्लस, हाँ ऐसे समझो, a स्क्वायर बराबर कितना है 4 लिख दिया गया, आपको मिल गया a स्क्वायर बराबर 4 मिल गया। तो बेटा ये a को जब, स्क्वायर को जब इधर हम भेजेंगे, इधर जब भेजेंगे तो ये 4 की पावर 2 नहीं आएगा, 2 ही नहीं चलेगा, पावर में तो रहेगा लेकिन पावर आप क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 1 बाई टू, इनवर्स हो जाती है पावर, पावर क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। अब बेटा अगर 1 बाई टू लिखा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको करणी कहते हैं, जब भी पावर बटे में हो तो इसे हम करणी कहते हैं, क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। तो यानी 4 की पावर 1 बाई टू को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट कह सकते हैं।
तो ये और ये चीज दोनों क्या है, सेम है। ये और ये चीज दोनों क्या है, सेम है। यानी कि चार का एक, चार की पावर अगर एक बटे दो कह रहे हो, इसको ना कहकर हम स्क्वायर रूट या अंडर रूट फोर भी कह सकते हैं। तो बात इतनी समझ में आ रही है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर भी वही कह रहा है, अगर आपके पास इधर पावर तुम्हारी क्या है, बटे में है, तो इधर जाकर पावर बटे में नहीं रहेगी, वही चीज है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी भी पावर अगर किसी भी संख्या की जीरो है, किसी भी संख्या की अगर पावर जीरो है, जैसे हमने कह दिया चार की पावर जीरो, तो हमेशा उत्तर एक आएगा। क्या आएगा? हमेशा उत्तर एक आएगा। जैसे ए की पावर जीरो इन्होंने कह दिया, तो आंसर क्या आएगा? एक आएगा। एक्स की पावर जीरो, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी अगर उसकी पावर उन्होंने जीरो कह दिया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो भाई, देखो, देखते रहो सभी लोग, सभी लोग देखते रहो बेहतरीन तरीके से। यहां पर अगर मेरे लाल एक करोड़ देखो लिख दिया, और एक करोड़ की पावर, यानी इतना बड़ा लिखा है, इसकी पावर भी अगर इन्होंने जीरो कर दिया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। मेरे बेटो, मेरे बच्चों, एक करोड़ की पावर भी अगर जीरो इन्होंने कर दिया है, तो एक आ गया है। यानी कि हम यहां पर ये चीज समझ रहे हैं, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो तुमने की है, तो उसका आंसर एक होगा। क्या होगा? आंसर एक होगा। तो हम ये चीज समझ जाएंगे। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसी में हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? घातांकों का शून्य होना। चलो भाई आगे देखो, किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक मान करणी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त, हम यहां पर सीख रहे हैं करणी के बारे में। क्या सीख रहे हैं? करणी के बारे में सीख रहे हैं। करणी क्या होता है? तो किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करना, जैसे अगर हम कह दें कि स्क्वायर रूट ये चार लिखा है, तो चार का मूल रूप क्या है? पहले ये चार बना किससे है? तो यहां पर दो है, तो इसका मूल रूप यानी कि इसको हम क्या करेंगे? चार का फैक्टर करेंगे, चार का फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहां पर अगर दो है, करणी की पावर अगर दो है, तो हम कहेंगे दो दो के अगर दो पेयर बनेंगे, ठीक है, दो का एक पेयर बनना चाहिए, तो यहां पर दो का एक पेयर बन गया, तो वही आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया? दो आ गया। कितना आ गया? दो आ गया। तो करणी भी तुम यहां पर जान चुके हो, अगले पे चलते हैं। हाँ, यहां पर देखो कुछ नाम है जिनको हम देख लेते हैं, करणी के नाम है, ठीक है, करणी के नाम है। जैसे वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। तो जो भी दिक्कतें हैं, अब स्क्वायर रूट कैसे हम करते हैं? अगर आपको यहां पर दो दे दिया है, ठीक है, अगर नहीं भी दिया है, केवल ऐसे ही निशान लगा दिया है, ऐसे ही निशान लगा दिया, तो हम समझेंगे यहां पर स्क्वायर रूट है, यहां पर दो है, यहां पर क्या है? दो है, ठीक है। तो ये बात समझ जाओगे ना, ये बात समझ जाओगे ना, कुछ भी नहीं दिया होगा तो यहां पर क्या है? दो है, स्क्वायर रूट कहेंगे। जब कुछ भी नहीं दिया होता, केवल रूट चढ़ा होता है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है मेरे लाल? स्क्वायर रूट होता है। तो बात समझ में आ गई है। वर्गमूल कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। घनमूल किसे कहते हैं? घनमूल को हम क्यूब रूट कहते हैं। घनमूल में जब करणी की पावर तीन होती है, क्यूब रूट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं, है ना। अब यहां पर लिखना ही पड़ेगा इनको, ये क्या है? घनमूल का निशान है, ठीक है। चतुर्थ मूल यानी इसे फोर्थ रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ रूट। अच्छा, एक चीज यहां पर समझना, एक चीज मेरे प्यारे बच्चों यहां पर समझना, वो चीज क्या है? जब भी आपसे क्या कह दे, फोर्थ रूट, ठीक है, कह देगा फोर्थ रूट थ्री, फोर्थ रूट थ्री कह देगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर यहां पर आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ क्या है? करणी है, फोर्थ रूट थ्री। लेकिन जब भी अगर ऐसे कह दे फोर रूट, केवल फोर रूट थ्री, तो बेटा हम ये समझेंगे कि फोर रूट थ्री का मतलब क्या है? चार अब गुड़े में है, चार इंटू रूट थ्री, ठीक है, इसे फोर्थ कहेंगे, फोर्थ रूट यानी ये चतुर्थ मूल है, ठीक है, चतुर्थ मूल है। चतुर्थ मूल के अंदर क्या है? तीन है, यहां पर चार इंटू है, चार रूट है ना, तो बातें समझेंगे। अब देखो इसी तरीके से पंचम मूल कहेंगे तो फिफ्थ रूट हो जाएगा, ठीक है, षष्ठ मूल कहेंगे तो सिक्स्थ रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये करणी के संकेत है, कैसे करणी चढ़ाई जाएंगी, करणी के नाम है, ठीक है। चलो भाई अगले पे चलते हैं, अगले पे आ जाओ मेरे लाल।
अब देखो क्वेश्चन आ चुके हैं, अब तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ, अपने अपने धनुष बाण निकाल लो और क्या करना है, क्या करना है, क्वेश्चन के सर पर निशाना साधना है, क्वेश्चन के सर पर निशाना साधना है। और मेरा बच्चा बड़ी तेज बताएगा, यकीनन वो इतना अच्छे से पढ़ रहा है कि मुझे खुद लगता है कि आज मैं काफी ज्यादा दुख हुआ कि जब नेट हमारा नहीं चल रहा था। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं कब, जब आप हमसे इतना प्यार करते हैं। तो देखो भाई, घातांकों पर आधारित प्रश्न है जिसमें आपके सामने अब पहला क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करने हैं। भाई ज्ञात कर लेंगे। यहां पर एक चीज आप देखिए, एक चीज देखिए, यहां पर देखो क्या है, गुड़ा लगा है, क्या लगा है, गुड़ा लगा है, गुड़ा लगा है ना, तो गुड़े में गुड़ा हो जाएगा, तीन दुना कितना हो जाएगा, छह। गुड़ा लगा है ना, तीन दुना कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। अब हमने बताया है गुड़े में जो भी तुम्हें आधार सेम मिले, जो भी आधार सेम मिले उसकी पावर केवल जोड़ेंगे। तो देखो यहां पर ए है और यहां पर ए है कि नहीं, तो ए की पावर यहां पर दो है, ए की पावर यहां पर एक है। अब ए की पावर एक और यहां पर एक की पावर दो, तो इंटू क्या हो जाएगा, ए की पावर, गुड़े में है ना, सब पूरी सीरीज गुड़े में है ना, तो दो एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, इंटू। अब बी भी देखो, बी की पावर यहां पर तीन है, यहां पर बी की पावर कितनी है, दो, तो तीन दो जुड़ जाएगा क्योंकि गुड़े में है, बी की पावर कितना हो जाएगा, बी की पावर तीन दो पांच हो जाएगा, ठीक है, इंटू। यहां पर सी की पावर फोर है, यहां पर सी की पावर तीन है, तो चार तीन कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, यानी सी की पावर सात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी की पावर सात हो जाएगा। आपका आंसर कितना है, तो छह ए क्यूब बी की पावर, हाँ जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, बिल्कुल आंसर रुकना नहीं चाहिए अब किसी का भी। चलो भाई जल्दी से स्पीड में आंसर दो, स्पीड में आंसर दो आप सभी। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो आपको अब आंसर देना है किसका, दूसरे नंबर क्वेश्चन का, दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है। जागृति मेहरा जी कह रही हैं, सर आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू जागृति जी। बिल्कुल मैथ आएगी, बिल्कुल मैथ आएगी और हर बच्चे को मैथ आएगी। चलो देखो यहां पर देखो डिवाइड लगा हुआ है, यहां पर देखो क्या लगा है, डिवाइड लगा है, यानी पहले ही हम काट देंगे, दो से बारह को हमने काट दिया, कितने बार जाएगा, दो छह बारह, छह आ गया, हमको कितना मिल गया, छह मिल गया, हमको कितना मिल गया, छह मिल गया है। अब देखो बीच में डिवाइड का निशान है, इसको फोकस करना है, और डिवाइड में जब आधार सेम होता है तो पावर घटती है, पावर क्या होती है, आपस में घट जाती हैं, तो ए की पावर यहां पर दो है, ए की पावर यहां पर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है, जब हम कहते हैं ए यहां पर कुछ भी पावर नहीं है, तो हमेशा ये समझते हैं कि ए की पावर क्या है, एक है, ए की पावर क्या है, एक है, ठीक है। तो ए की पावर दो, यहां पर ए की पावर कुछ नहीं, यानी ए की पावर एक है, तो दो में एक गया कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी ए की पावर एक तब भी बच जाएगा, ठीक है भाई, ए की पावर दो में अगर माइनस वन जाएगा तो ए की पावर एक ही बचेगा, ठीक है, ए भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाओ b की पावर चार है, यहां पर b की पावर दो है, यानी चार में अब दो जाएगा कितना बचेगा, दो बचेगा, इन टू b की पावर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहां पर c की पावर दो है, यहां c की पावर तीन है, तीन में दो गया कितना बचेगा, c की पावर एक बचेगा, यानी इसको हम एक एक पावर ना कह के ये कह सकते हैं सिक्स ए बी स्क्वायर सी, सिक्स ए बी स्क्वायर सी कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया, सभी का सही है, सभी का सही है, वेरी गुड विकास जी, वेरी गुड संदीप, बहुत बढ़िया शिवम चौरसिया, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर, क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर जल्दी से बताइए। अब देखो यहां पर गुड़ा लगा हुआ है, यहां पर बच्चा गुड़ा लगा हुआ है, तो देखो लिख लेते हैं पांच की पावर एक बटे चार इंटू, बड़ा आसान सा तरीका है, अब 125 को हम क्या लिखते हैं, 125 को हम 5 इंटू 5 इंटू 5 कहते हैं कि नहीं, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आएगा, यानी हम 5 की पावर कितना लिख दें, 3 लिख दें, और ऊपर कितनी पावर है, 0.25 है। और अभी हम सीख के आए हैं जब भी ब्रेकेट के ऊपर पावर लगी हो तो जब ब्रेकेट को हटाते हैं, मेरे लाल ब्रेकेट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलो कर लिया गुणा, गुणा करो 25 से 75 होता है, कितना होता है 25 से 75, यानी 5 की पावर 1 बटे 4 को क्या कहते हैं, तो 1 बटे 4 को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा, सॉल्व करो 1 बटे 4 को, 1 बटे 4 को सॉल्व करोगे 0.25 आएगा, इनटू 5 की पावर
अब 25 से 75 यानी 0.75, और जैसे ही हमने देख लिया आधार सेम है, अब पावर जुड़ जाएंगी 0.25, 0.75, तो 0.25, 0.75, 0.100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.00, यानी 5 की पावर 1.00, और 1.00 का मतलब क्या है, 1 ही है, यानी 5 की पावर 1, आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, हमारी स्पीड यही रहेगी बेटा, सबको लेकर चलना है, धीरे धीरे ही बताएंगे हम। विकास राजपूत, अनुपम, धीरेंद्र राघव, शिवचरण शर्मा, बहुत बढ़िया, धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करो भाई, धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर करना है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाँ जल्दी से इसको सॉल्व करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम। अब यहां पर देखो 1/216 है, यहां पर माइनस लगा हुआ है, यहां पर भी माइनस लगा हुआ है, माइनस को हटाया जाए, माइनस को हटाया जाए, अभी निशान को रोक लो। अब केवल हमने अभी बताया था, अगर कभी भी a बटे b की पावर बच्चा अगर माइनस में पावर कभी दी है, माइनस की पावर अगर m दिया है, इस माइनस को प्लस करना है, तो आप तुरंत जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी उसको पलट दो, b बटे a की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में m हो जाएगी। ये नियम हमने आपको सबसे पहले बता दिया है, तो बढ़िया है, अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/16 केवल माइनस को प्लस करना है, तो हम कह देंगे 216/1, तो बटे एक लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, यानी 216/1 मतलब 216 की पावर, अब ये माइनस का जो है वो प्लस हो गया, 2/3 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अब ये अभी डिवाइड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड रहने दो, अभी अभी कर लेंगे, है ना। अब यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर है 27, इसको भी पलटना है, तो 27 की पावर ये भी प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, हो जाएगा मेरे लाल। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, या तो क्या करते हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं, 27 लिखा हुआ ये, 216 को 6 की पावर हम क्या करते हैं 3 लिख लेते हैं, 6 की पावर 3 की पावर 2/3, डिवाइड लगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चेंज नहीं करेंगे। अब ये क्या है, 27 को हम 3 की पावर 4/3 कह सकते हैं। अब हमने बताया जब भी ब्रेकेट यहां से हटाओगे मेरे लाल, ब्रेकेट हटाओगे तो गुणे का निशान आएगा, किसका निशान आएगा, गुणे का निशान आएगा, जब गुणा करोगे 3 का गुणा 2/3 से, तो 3 का गुणा जैसे ही 2/3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 2, यानी यहां पर बचा 6 की पावर 2, बचेगा यहां पर बचेगा 6 की पावर 2, और यहां पर क्या बचेगा, भागित लगा हुआ है, यहां पर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 3 की पावर 4, 3 की पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है, कितना आ जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का सही है, शिवानी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो अब देखो जरा, यहां पर हम 3 की पावर, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर लो, 6×36 होता कि नहीं, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो 6² कितना होता है, 36 होता है, और 3 की पावर 4 यानी कि 81 होता है, और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, 9×36, 9×9=81, 4/ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का सही है। देखो बेटा धीरे धीरे हम लोग अभी कछुए की चाल चलेंगे, तो अपने आप स्पीड, अगर हम अभी से तेज कर देंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, है ना, एक एक चीज हम बिल्कुल विधिवत बताते चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को सीखना है, हम लोगों को क्या करना है, सीखना है, और सीखते समय हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते, हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते हैं जब हमें सीखना है। अभी जल्दी से कुछ बता दिया, तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा बैठ गया, तब दिक्कत है ना, तो सीखते समय हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे, हम इतनी ही धीरे चलेंगे कछुए की चाल, क्योंकि कछुआ हमेशा जीतता है, क्या है, कछुआ हमेशा जीतता है, खरगोश नहीं बनना है हमें, खरगोश नहीं बनना है। चलो भाई, चलो भाई, इसको मैं कर देता हूं रफ, और आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड में मेरे लाल आंसर दे दो जल्दी से। तो देखो भाई, सबसे आसान तरीका मैंने बताया था, आधार अगर सेम है तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है, xy, आधार सब में सेम है, आधार सब में सेम है, तो xy ले लिया हमने, ठीक है, अब पावर जुड़ जाएगी, यहां पर कितना a-b, ये पावर a-b है, प्लस कर दो, जोड़ दो दूसरी पावर क्या है, b-c है, तो b-c ले लिया, तीसरी पावर c-a है, तो प्लस कर दो, c-a कर दो, कर देंगे, b से b कैंसिल,
माइनस प्लस कैंसिल होता है, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल, माइनस का ए कैंसिल, यानी एक्स वाई की पावर बच्चा जीरो आ गई है। कितनी आ गई है? जीरो आ गई है। बहुत बढ़िया, धमाकेदार। दीनदयाल शर्मा जी, धीरेंद्र राघव, अरुण प्रजापति, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुमोद यादव, प्रिंस खान, वेरी गुड। कौरव कुमार, चंचला निंगवाला, हैप्पी लोधी, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो एक्स वाई की पावर जीरो, और याद है आपको, याद है आपको, कुछ भी हो अगर उसकी पावर जीरो है मेरे लाल, कुछ भी बिना सोचे, बिना सोचे समझे अगर एक्स की पावर जीरो है, इसका आंसर कितना होता है? बड़ा बड़ा एक, बड़ा वाला एक। होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? होता है ना। बहुत बढ़िया, धमाकेदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मजा आपको यहां से आने वाली है, आने वाली है दोस्त। चलो अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर छह पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर छह पर आ जाओ जल्दी से। आज ना एक एक चीज मैं छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा आपको। देखो भाई, अरे बड़ा कठिन सा सवाल है कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत के अगर तुम नियम कायदे से लिख कर देख कर समझ कर आए हो तो यकीनन ये क्वेश्चन बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। और देखते हैं कैसे। यहां पर देखो x की पावर a, अच्छा यहां पर हम समझाएंगे और इसके आगे यहां पर लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो x की पावर a बटे x की पावर b, मैं ब्रैकेट को केवल सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर लूं। हमने कहा है जब भी आधार, देखो नीचे ये x इधर भी है, नीचे x इधर भी है, जब भी आधार सेम हो तो हम केवल x लिख लेंगे। आधार सेम होने पर पावर आपस में घट जाती है, यानी ऊपर भी आ रहा है ना, तो ऊपर भी आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस b हो जाएगा। ये भी ऊपर आएगा तो b नीचे प्लस में है, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। तो a माइनस b आ जाएगा, और a माइनस b किस में है? ब्रैकेट में है, तो a प्लस b, a प्लस b ये कौन सा लिया हमने? ये वाला लिया है। तो यानी कि बच्चा समझो, समझो आप, इसको मैं हटा रहा हूं, समझो आप, यानी जिसको हम x, ये भी ऊपर जाएगा तो हम a माइनस b लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस b, a प्लस b, ऐसे सब कुछ हो जाएगा, सारा सब कुछ ऐसे ही चेंज हो जाएगा, इनटू एक्स की पावर बी माइनस सी, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? बी प्लस सी। आगे बढ़ेंगे, ये ए ऊपर जाएगा, ये बी सी ऊपर गया था, अब ए ऊपर जाएगा, यानी एक्स की पावर सी माइनस ए, और फिर क्या? सी प्लस ए, सी प्लस ए। अच्छा बच्चा बताओ, यहां पर जब ब्रैकेट को हटाएंगे, जब ब्रैकेट को मेरे लाल हटाएंगे तो क्या लगेगा? गुणे का निशान, क्या लगेगा? गुणे का निशान लगेगा, ब्रैकेट को हटाएंगे गुणे का निशान। अब बताओ a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फार्मूला है? याद करो, याद करो, यहां पर a प्लस बी एक ब्रेकेट में, एक ब्रेकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला किसका है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। किसका है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि केवल मेरा पसीना ही निकल रहा है, आप समझ रहे हो ना? यानी कि यहां पर हमने कह दिया x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू यहां पर x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहां पर x की पावर सी स्क्वायर, सी माइनस ए सी प्लस ए, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको इधर देखना कैसे जादू होने वाला है। यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, घाते देखो क्या बेटा सेम है, घाते बेटा सेम है, सॉरी आधार, आधार x, आधार x, आधार x, सब में आधार x है ना, तो आधार सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, पावर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? x हमने लिख लिया, पहली पावर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दूसरी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस कर दो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरी पावर क्या है? सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेटा रुक के देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन अगर क्विट करने की जल्दी सोचोगे, जीता वही है जो संघर्ष करेगा, जीतता वही है जो संघर्ष करेगा, ठीक है। तो मैथ हमें इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि हम कोशिश नहीं करते हैं, और आज कोशिश नहीं कर रहे हैं, जब आपको इतनी डीप से हम समझाने आए हैं, बेसिक बेसिक चीजें आपको समझा रहे हैं, तब भैया कैसे दिक्कत होगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, यानी x की पावर जीरो, और आंसर कितना आ जाएगा? एक। अच्छा इतने बड़े सवाल का आंसर कितना है? एक है। नवीन, अरुण, रमेश, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हाँ, यहां पर क्वेश्चन है निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। तो आ जाते हैं यहां पर, कितनी चार राशियां आ गई हैं, चार राशियां आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, अगर हम ये कह दें कि 0.1 × 0.1 ये कह दें, तो आप कहोगे सर जी ये लिखा हुआ है 0.01। एक का गुणा एक से किया, एक एक के एक, लेकिन दशमलव कितने अंकों के बाद लगता है, दो अंकों के बाद, दो अंकों के बाद दशमलव लगा दिया हमने, ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो भैया इसमें कितने 0.1 का गुणा हुआ है, आप कहोगे सर जी 2.1 का गुणा किया था तो दो अंकों के बाद लग गया था, यानी कि यहां चार अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो 4.1 का गुणा हमने किया है, कितने 0.1 का, 4.1 का, तो 0.1 की पावर कितनी किया है हमने, 4, और इसके पावर कितनी है, 0.25 है। और हमने अभी आपको बताया है मेरे बच्चों कि अगर आप ब्रेकेट हटाते हो तो गुणा हो जाता है 25 × 100, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 0.1 की पावर 1.00, और 0.1 की पावर कितना होता है, 0.1 की पावर 0.1 है, कितना आ जाएगा 0.1, आपका ये आंसर है, आपका ये क्या है, आंसर है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी से बताओ 0.1, बहुत बढ़िया, रचना रावत जी का बिल्कुल सही है, और सभी का गलत है, और सभी का गलत है, शिवचरण सभी का गलत है, आप सभी का गलत है, हाँ विक्रम ठाकुर जी का भी बिल्कुल सही है। देखो भाई 1.00 का मतलब एक ही होता है, 25 × 100 तो 100 आ गया, लेकिन दो अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, एक दो, दो अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो 1.00 का मतलब 1 ही होता है, तो 0.1 की पावर अगर 1 है तो हम 0.1 लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई अगले पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो यहां पर देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, और यहां पर अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दिया जाए तो 1 बन जाएगा, तो हम बेटा इसको हम देखो 0.09 × 0.09 लिख सकते कि नहीं, 0.09 का गुणा करोगे तो 0.00, दो अंकों के बाद इसमें भी लगा, दो अंकों के बाद इसमें भी लगा, गुणा होगा तो 4 अंक, क्योंकि दो अंक इसके हैं, दो अंक इसके हैं, जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो इसमें 4 अंकों के बाद लगा हुआ है, यानी हम इसको मेरे लल्ला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 की पावर कितना, 2, और इसकी पावर कितना है, 0.50। अब 0.50 यानी आधा है, आधा को 2 से गुणा किया तो पूरा हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0.09। हाँ अनिकेत मिश्रा जी वेरी गुड, विवेक गुर्जर प्रणाम, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 3, चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3, क्या होगा यहां पर, क्या कह रहे हैं, देखो 64 है ना, यहां पर 3 है, तो 3 को काटना है, तो 64 को 3 की पावर में बनाना है पड़ेगा हमें, तो 3 की पावर में 64 कैसे बनेगा, जब हम 4 में तोड़ेंगे, क्योंकि 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64 होता है, तो हम देखते हैं यहां पर 2 पेयर बन गए, यानी हमारा जो आएगा 0.04 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 4.04 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, और इसका ब्रैकेट लगाएंगे तो 2/3 है, और जैसे ही 2/3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.04 का मान पावर कितनी आ जाएगी, 2। अब इसका मतलब क्या होता है, इस 0.04 की पावर 2 का मतलब क्या है, 0.04 एक बार इंटू 0.04 एक बार, तो 4 × 16। अब दशमलव कितने अंकों बार लगेगा, तो 1, 2, 3, 4 अंकों बाद, 1, 2, 3 और 4, आंसर कितना आ जाएगा, 0.0016 किसका आंसर है, तो तीसरे का आंसर है, तीसरे का सोल्यूशन में बता रहा हूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जागृति मेहरा, दिलीप कुमार, सुमित यादव, रॉबिन रैनी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैड बॉय शिवचरण, चंचला निंगवाला, समर खान, हैप्पी लोधी, ज्ञान प्रकाश राजपूत, वेरी गुड, सभी का सही है। चंचला निंगवाला 16 नहीं आएगा, कितना आएगा, हाँ 16 नहीं आएगा, 16 बिल्कुल नहीं आएगा।
चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर चार पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर चार पर आ जाओ जल्दी से सब लोग। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है मेरे लाल, तो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पर 216 है और 216 छह का क्यूब होता है। छह को जब तीन बार गुणा करेंगे, 6 × 6 × 6 तो आ जाएगा 216। यानी यहां पर हमको क्या करना है, देखो दो दो के पेयर बना लो, ठीक है, तीन बार गुणा करना है ना, तो पॉइंट कितना आ जाएगा, छह का है तो पॉइंट 0.06 × 0.06 × 0.06 करोगे तो पॉइंट कितने, 2226 अंकों के बाद लग जाएगा। यहां पर 0.06 की पावर कितना आ जाएगा, 0.06 की पावर 3, और ये कितना है 1/2 1/3 कर लिया। यानी 3 से 3 का गुणा जब 1/3 से करेंगे, ऐसे कर लो, 3 का गुणा जब 1/3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 0.06 ही बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0.06 हो गया आंसर, कितना आ जाएगा 0.06। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अरुण प्रजापति, विक्रम वेरी गुड। तो अब जल्दी से एक चीज हमारी सुन लो, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मॉर्निंग में 8:30 बजे से कितने 8:15 पर है, 8:15 पर आपकी जो क्लास चलने वाली है वो क्लास चलने वाली है कौन सी, महामेगा मैराथन। दोस्तों आप लोग 8 तारीख से 14 तारीख तक यानी कि आज तारीख तक आपने पूरी जो करंट अफेयर्स पढ़ी है ना, उसका पूरा निचोड़ आपको कल मिलने वाला है। कितने बजे से, 8:15 पर, कितने बजे, 8:15 पर सबको आना है महामेगा मैराथन। कौन सी क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, महामेगा मैराथन होगी, ठीक है। तो दोस्तों फुल टू फुल रिवीजन होगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। आप ये समझ लीजिए, बार बार कहते हो ना मैराथन कराओ मैराथन कराओ, तो दोस्तों ये मैराथन ऐसी है, इसमें स्टैटिक जीके का पूरा निचोड़ होगा। यानी आप कोई भी परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो वहां पर पूरा का पूरा लपेट लिया जाएगा, पूरा का पूरा सब कुछ लपेट लिया जाएगा। तो कोशिश करिए सब लोग यहां पर जुड़ने की, ठीक है। तो यहां पर देखो करंट अफेयर्स का शो होगा महामेगा मैराथन, इसमें जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं वही यहां पर पढ़ने आए, ठीक है। जो एक कंप्लीट नोट्स बना रहे हैं उनपे, उनमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ नई चीजें ऐड करना चाहते हैं, वही यहां पर पढ़ने आए, ठीक है। तो चलिए ये आप चीजें सबको शेयर कर दीजिए कि परीक्षा में वही जो सब कुछ हो सही, ठीक है। चलो दोस्तों इतनी बात हमने कंप्लीट कर ली है, अब आगे आते हैं हम लोग। आगे कह रहे हैं जब पूरी राशि करणीगत हो, अब करणीगत हो, इनको तो हमने सिखाया है। चलो भाई आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, आंसर देने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाओ भाई, तैयार हो जाओ जल्दी से, आंसर देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। हाँ तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जब भी आपको जो संख्याएं हैं वो करणी के अंदर लिखी हो और ये इन्फिनाइट सीरीज हो, कैसी सीरीज हो, इन्फिनाइट सीरीज हो, इन्फिनाइट तक जा रही हो, और निशान प्लस प्लस का मिले, यानी पूरा फिक्स फॉर्मेशन में ही आपको क्वेश्चन परीक्षा में दिखने वाला है। और जब इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाए, यहां पर केवल आपको निशान देखना होता है। अगर निशान प्लस का है तो बड़ी संख्या, यहां पर लिख लो, निशान अगर प्लस का है तो बड़ी संख्या आंसर होती है, और निशान अगर माइनस का होगा तो कौन सी संख्या होगी, छोटी संख्या आंसर होगी, ठीक है। दो चीजें हमको देखना है, अब बड़ी छोटी कौन सी, यानी कि अब हम करने वाले हैं 12 का फैक्टर, 12 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद 12 को आपको फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बड़ी संख्या अगर प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर। अच्छा 12 का फैक्टर करना कैसे है, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। जैसे 12 का ऐसा फैक्टर करो तो कोई बच्चा कहेगा सर जी 12 तो 2 × 6 भी होता है, 6 × 12 के फैक्टर कर दिए, लेकिन बच्चा क्या 6 और 2 में अंतर 1 का है, नहीं 4 का अंतर है, तो ये वाला फैक्टर नहीं चलेगा, ये वाला फैक्टर नहीं चलेगा। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें डिफरेंस 1 का हो, अंतर 1 का हो, यही वाला फैक्टर चलेगा। तो 12 का ऐसा फैक्टर कौन सा है, तो हम कहते हैं सर जी 4 × 3 भी करके मैं देख रहा हूं तो बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, अंतर भी सर जी 1 का है, अंतर भी सर जी 1 का है, तो हम कह देंगे अब ये तुम्हारा जो फैक्टर है बिल्कुल सही है, अब ये फैक्टर बिल्कुल सही है। तो अब आ जाओ बेटा प्लस प्लस देख रहे हो ना, प्लस प्लस में सीरीज इनफिनाइट तक जा रही है, तो प्लस होने पर बड़ी वाली आंसर हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर मेरे लाल, 4 आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं,
वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो प्लस में बड़ी वाली संख्या और माइनस में छोटी वाली संख्या हम लेते हैं। बात इतनी समझ में आ गई है। अच्छा, तीन जो है ये भी आंसर आएगा, लेकिन तीन तीन आंसर नहीं है, इसका आंसर माइनस तीन आएगा। क्या आएगा? माइनस तीन आएगा। ठीक है, अगर छोटी वाली संख्या इसका आंसर देना चाहते हो तो माइनस में आएगा। अगर ऑप्शन में बाय चांस चार नहीं है, ऑप्शन में चार नहीं है मेरे लाल, तो गलती ना कर आना, गलती ना कर आना। देखो, हमने चार और तीन के फैक्टर तो किए, जिनका अंतर एक था, जिनका अंतर जिनका डिफरेंस एक था। प्लस वाला ऑप्शन में नहीं है, प्लस वाला ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में हमें तीन मिल गया, माइनस तीन मिल गया, दो मिल गया और माइनस का चार मिल गया। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, हम तो सीख के आए थे सर जी, चार और तीन अगर फैक्टर कर रहे हैं, प्लस लगाए थे तो बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली ऑप्शन में ही नहीं मिली। तो बेटा छोटी वाली भी आंसर होगी, लेकिन छोटी वाली में जो आंसर होगा वो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी तीन आपका आंसर नहीं होगा, माइनस तीन भी इसका आंसर होगा। आप लोग जरूर नोट करिए, प्लस फोर भी आंसर होगा और माइनस थ्री भी आंसर होगा, माइनस थ्री भी आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अभी माइनस थ्री में किसी ने आंसर नहीं बताया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, विकास राजपूत जी ने बिल्कुल सही बताया है इतनी देर में, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं। यानी कि जब भी यहां पर ध्यान दे लो मेरे बच्चों, यहां पर अगर प्लस का निशान है, यहां पर अगर प्लस का निशान है तो हम फैक्टर तो करते हैं जिसका अंतर एक है। अगर प्लस का निशान है, बड़ी वाली हो जाएगी एक आंसर, लेकिन छोटा वाला आंसर प्लस में नहीं होगा, फिर छोटा वाला माइनस में होगा। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसको आप फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों बिल्कुल आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन 30। दो आंसर होने हैं इसके, दो आंसर देना है सबको, एक आंसर देना है और दो आंसर आपको देने हैं, और बिल्कुल सही सही दो आंसर देने हैं, बिल्कुल सही सही। बहुत बढ़िया, चलो भाई जल्दी से आप लोग बताइए, कम्युनिटी पर लगा दो। चलो देखो भाई, सब लोग कम्युनिटी पर चेक करते रहेंगे कि क्लास कौन सी आने वाली है, कौन सी, क्योंकि कभी कभी नेट का इशू हो जाता है तो वो क्लास डिले हो जाती है, तो वो सारी सूचना आपको कम्युनिटी पर मिलती रहेगी। अगर आप देखो, कई बच्चे हैं हर जगह भटकते रहते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं बच्चों से कहना जा रहे हैं जो केवल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो 6 महीना बहुत होते हैं। मैं 3 महीने के अंदर किताबें खत्म कर दूंगा, ठीक है, 6 महीना बहुत होते हैं। 6 महीना तक अगर आप एक ही गुरु को, एक ही गुरु के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो यकीनन सफलता निश्चित है। हम वो सारे वे अपनाएंगे जिनसे आपको मंजिल मिल सके, तो वो सारे रास्ते हम अब जमा लेंगे, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे। 30 यहां पर क्या है, 30 है, तो 30 के फैक्टर कर दिया हमने, कितना हो गया, 5 और 6 हमने देखा प्लस है, तो बड़ा वाला आंसर हो गया, क्लियर है, प्लस का 6 आ गया, प्लस का 6 आंसर होगा एक, ठीक है, प्लस का 6 होगा, लेकिन छोटा वाला आंसर माइनस में नहीं, सॉरी प्लस में नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, लेकिन इसका प्लस में नहीं होकर -5 आंसर होगा, यानी एक आंसर तुम्हारा -5 भी होगा। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना सभी बच्चों को। चलो बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर तीन। तो जल्दी से बताओ भाई, इसके भी दो आंसर आपको बताने हैं। तो जल्दी से बताओ। विश्वेश्वर सिंह, विकास टिंकू कह रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हो सर, सैल्यूट, आज मैंने पहली क्लास देखी है, बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू बेटा। चलो भाई देखो, हमारी मेहनत आप लोगों के लिए है, बस थोड़ी सी मेहनत आप लोगों की हमारे लिए हो जाए तो हम इसको गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करेंगे, ठीक है। वो क्या है कि आपको अपना परिवार बढ़ाना है, यानी मिशन जो चल रहा है, परिवार बढ़ाओ मिशन, आपको सब्सक्राइबर ऐड करने हैं, ठीक है, 10-10 का टारगेट बनाओगे और उन 10-10 से बोलोगे कि 10-10 और ऐड करें, बस इतना ही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगा। और आते ही अगर आप लाइक कर देते हो तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप अगर लाइक करते हो, और लाइक बनता है यार, इतनी मेहनत, देखो ये पसीना निकल रहा है ना, ये देखो निकल रहा है ना, इस पसीने की कसम आप लाइक कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 110 को हम दो फैक्टर करेंगे, हम कह देंगे 11 होता है, 11 दहम 110, और 11 और 10 का अंतर कितने का है, तो अंतर बेटा 11 और 10 का अंतर कितने का है, अंतर एक का है,
अंतर अगर एक का है तो हमने ये देखा ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, लेकिन यहां पर अब बच्चा माइनस लगा हुआ है, बच्चा माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर तो हो गया, ये आंसर आपका नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो यहां पर आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन 11 वाला भी आंसर होगा, 11 वाला किसमें होगा, माइनस में होगा। 11 वाला किसमें आंसर होगा, माइनस में होगा। 11 वाला किसमें होगा, माइनस में होगा। बहुत बढ़िया कृष्णा जायसवाल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई लाइक का बटन दबाते रहो, लाइक नहीं रुकना चाहिए, लाइक नहीं रुकना चाहिए। आप क्लास चाहे जब भी लो, लाइक का बटन दबा देना आते ही, लाइक का बटन मेरे लाल सब लोग दबाएंगे। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करने के लिए आया हूं, तीन से चार घंटे रेगुलर डेली पढ़ाता हूं केवल आप लोगों के लिए, 3 से 4 घंटे रेगुलर डेली पढ़ाता हूं, जबकि मैं 8 से 9 घंटे पढ़ाकर आता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूं केवल आपके लिए। ये आपका प्यार है तो थोड़ा सा प्यार बरसाओ आप हमारे ऊपर, ठीक है। चलो यहां पर देखो 56 है ना, माइनस लगाए तो हम कहेंगे 56 को तोड़ दो भाई, और ऐसा तोड़ो कि अंतर एक का हो, तो 7 × 8 मैंने तोड़ दिया, अंतर भी एक का है, ठीक है। निशान हमने देखा माइनस का चल रहा है, निशान हमने देखा माइनस का चल रहा है, और निशान अगर माइनस का है तो छोटी वाली आंसर हो जाती है, छोटी वाली आंसर हो जाएगी। तो एक आंसर तो कितना आ गया, 7 आ गया, एक आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। लेकिन बच्चा बड़ी वाली ये आंसर तो नहीं है, लेकिन इसके एवज में कौन सा आंसर हो जाएगा, माइनस का 8, यानी कि एक आंसर तुम्हारा माइनस का 8 भी होगा, यानी 7 और माइनस 8। बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये अगला क्वेश्चन ये, चलो भाई ये क्वेश्चन आ गया है, तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, अब जल्दी से बताओ, क्या ऐसे मैं तोड़ सकता हूं इसको, ऐसे मैं तोड़ सकता हूं कि इसका अंतर ये रहे, नहीं तोड़ सकता हूं ना, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब तो इसमें तोड़ ही नहीं पा रहा हूं जिसमें अंतर एक का हो गया कि 3, तो अभाज्य है पहले से ही, तो जल्दी से आंसर आना चाहिए। किसका आंसर आ रहा है मैं देख रहा हूं, चलो भाई जल्दी से आंसर दो। शिवचरण, अजय यादव, धीरेन्द्र, बहुत बढ़िया। क्या थोड़ा सा ब्लर हुआ है क्या, देखो ब्लर हुआ है क्या। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से दो भाई। 3-1, 3-1, नहीं भाई, हाँ इसमें यह देखा जाता है कहां से कहां तक आपको मिलेगा, तो आप एक एग्जैक्ट आंसर भी इसमें दे सकते हैं। वेरी गुड, चलो आपको देखो जब भी ये आ जाए तो एक फार्मूला याद रखो, 1 ± √b² - 4ac। ये फार्मूला यहां पर आप लोग क्या करते हो, b रखते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, और ये बना किससे है, तो ये बना है बेटा धराचार्य से, यहां पर बी होता है, लेकिन बी नहीं रखना है, तुम्हें एक रखना है जब भी इस टाइप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां पर आपको क्या कर रखना है, 3 रख दो जल्दी से, कितना रख दोगे, बहुत बढ़िया। तो चलो यहां पर रखते हैं b की जगह भी तुम एक ही मान लो, बस 4 × 12 करना है। देखो 1 + यहां पर एक मान लिया, तो 4 एक बार प्लस यहां पर ले लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, और 12 × 1, इसको हमने एक मान लिया यहां पर, तो इसको भी एक मान लो बेटा, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 = 13, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और बट्टे कितना आ जाएगा, बट्टे भाई आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, हाँ चलो भाई वेरी गुड, 2 × 1 = 2। तो यहां पर आंसर तुम्हारा आ जाएगा √13 की वैल्यू 1 + 1 + 3 × 9 = 4, तो 3 × 9 = 4 × 16 ज्यादा हो रहा है, तो 3.6 लिख लो / 2, तो 3.6, और ये कितना आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा, और / 2 हमने किया है, तो / 2 करने से कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 2, 6,
2.3। अगर माइनस करोगे तो माइनस यहां पर अगर लगा लोगे, ये प्लस का हटा के निशान, यहां पर क्या लगाओगे माइनस, तब यहां पर क्या आ जाएगा, तब यहां पर 1.3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.3 आ जाएगा। तो माइनस का भी आएगा, ये प्लस का 2.3 है, नीचे क्या आएगा माइनस का 1.3 है। तो आपसे रेंज पूछता है तो हम कह देंगे 2.3 से माइनस का 1.3 तक आएगा। ठीक है, तो इतना ही हमें समझना है। अगले क्वेश्चन पर फिर से समझते हैं। चलो भाई इसका आंसर जल्दी से दो, इसका आंसर जल्दी से दो। ठीक है, जल्दी से भाई इसका आंसर दो, फटाक से आंसर दो। हाँ, आया किसी का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, तो देखो जहां पर हमने बताया था बी मानने के लिए, वहां पर आपको एक मानना था। क्या मानना था? एक मानना था। ठीक है, तो चलो, तो देखो हम फिर से फार्मूला लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि धाराचार का पूरा नहीं लगाओ, क्योंकि वो भी लगाएंगे आ जाएगा। तो हमें 1 प्लस माइनस अंडर रूट, बी को हमने 1 माना था, 1 प्लस बस 4a बाई 2, ये वाला फार्मूला लगाओ बस। ठीक है, वहां पर 4abc वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, जहां पर b की वैल्यू पहले ही हमने एक ले ली थी, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होता, 3 × 1 होता। अब ये वाला रखना है आपको फार्मूला। तो 5, ये a 5 है, 5 को 20, 20 एक कितना हो जाएगा 21, यानी यहां पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, और बटे कितना आ जाएगा 2। देखो भाई 5 × 20 = 21, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21/2। एक बार प्लस का निशान ले लेंगे यहां पर, एक माइनस निशान ले लेंगे, तो रूट 21 की वैल्यू क्या होगी मेरे लाल, रूट 21 की वैल्यू जल्दी से बताओ। हाँ, 4.5। बहुत बढ़िया, तो यहां पर देखिए एक बार 1 प्लस 4.5 बाई 2 ले लेंगे, एक ही आंसर बन जाएगा, एक आंसर बन जाएगा 1 माइनस 4.5, ये आंसर बन जाएगा। देखो ये वाला आंसर माइनस में आएगा और ये वाला आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। आपको केवल ये वाला फार्मूला याद रखना है, जब भी आपको फैक्टर हमें करने हो, फैक्टर ना हो रहे हो, एक फैक्टर ना हो रहे हो। ठीक है, तो बात इतनी समझनी है आपको। तो यहां पर देखो 4 × 5.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5.5/2 कितना आ जाएगा, 2। 4 × 5.5/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 12, यानी 2.6 प्लस का आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये जब घटेगा तो माइनस का 3.5, और बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 × 2 = 2, 2 × 7 = 14, माइनस का 1.7। यानी दो आंसर आपके हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान दो मेरे लाल, एक आंसर आपका 2.6 है, एक आंसर आपका माइनस का 1.7 है। बहुत बढ़िया, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, जिनको हम क्या करते हैं, श्री धराचार्य वाला फार्मूला लगाते हैं, उसको फार्मूला मैंने बता भी दिया है कैसे आपको लगना है। चलिए ये क्वेश्चन आपको बड़ी स्पीड में आंसर देने हैं, थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे दूंगा इसमें, और जब भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़ा आसान है। देखो जब कुछ नहीं होता है, जब केवल ऐसे स्क्वायर रूट होता है, तो हम यहां पर क्या मानते हैं, हमेशा 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 मानते हैं, या कुछ नहीं तो हमेशा हमेशा यहां 2 होता है। अगर यहां पर कुछ नहीं, स्क्वायर रूट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 कम कर दो, एक कम कर दो तो 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर ये दी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। क्या होती है? 2 ही होती है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई है। तो यहां पर देखो सब में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये सीरीज कहां तक पहुंच रही है, इन्फिनाइट तक। ध्यान देना है, ये सीरीज इन्फिनाइट तक पहुंच रही है, और अभी हम इन्फिनाइट तक वाला ही समझ रहे हैं।
इनटू में चल रही है, 5 into root 5 into root 5 into इनफिनाइट तक जा रही है, कंफर्म। तो आपको क्या करना है मेरे लाल, बस यहां पर दो देखा तो दो से एक कम हो जाएगी, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो जब भी आपको यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन दिखें तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में बढ़ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और समझते हैं, यहां पर अगर 3 होता, ठीक है, और फिर 5 बढ़ रहा होता, 5 ये सीरीज बढ़ रही होती और ये सीरीज इनफिनाइट तक जा रही होती, तब इसका आंसर क्या आता, ये क्यूब रूट में है तो क्यूब रूट में है तो 3 को एक कम कर दो, यानी इसका आंसर फिर आ जाता स्क्वायर रूट 5, क्या आ जाता, स्क्वायर रूट 5 आ जाता। अगर बेटा यहीं पर थोड़ा आप बात को समझिएगा, सब कुछ सरल है, कुछ भी कठिन में नहीं ले जाऊंगा, कुछ भी कठिन नहीं ले जाऊंगा, यहीं पर क्या होता मेरे लाल, यहीं पर अगर 4 होता, फोर्थ रूट होता, फोर्थ रूट यानी चतुर्थ मूल होता, 4 रूट बढ़ रहा है, तो बेटा आपका आंसर क्यूब रूट हो जाता, क्यूब रूट 5 हो जाता, यानी 4 से एक कम यहां पर आएगा, 4 से क्या आएगा, कम आएगा यहां पर, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। चलो यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं, यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं, अगर बाई चांस आपको यहीं पर मिल जाता 10 रूट, 10th रूट मिल जाता, 10th रूट x लिख लो, x से ज्यादा समझ में आता है, 10th रूट x, 10th रूट x और इनटू लगा हुआ है सब में और ये इनफिनाइट तक जा रहा है, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो हम कह देंगे बेटा इससे एक कम कर दो, इससे आप एक कम कर दो, आंसर हमारा कितना होगा, आंसर हमारा 9th रूट बनेगा, 9th रूट x, कितना बनेगा, 9th रूट आपका आंसर बनेगा। तो अब बात समझ में आ गई है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो 2 से एक कम हो जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा, और एक के अंदर अगर 5 लिखा हुआ है यानी ये 5 ही इसका उत्तर होता है, कितना होता है, 5 ही होता है। चलो भाई देखो अब जल्दी जल्दी आंसर बताना है सबको, अब बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताना है दूसरे वाले का। देखो इसमें तो दो दो लिखा हुआ है, दो दो लिखा हुआ है, हम लोग एचडी यादव किताब के एग्जांपल कर रहे हैं, जिनको आपको यहां पर 6-6 मिल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए, वहां से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 6-6 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 2 होता है तो 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा वहां पर, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट जब आगे बढ़ेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा, 11-11 बढ़ रहे, स्क्वायर रूट है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हाँ जरूर आपको देखना है ये सीरीज इनफिनाइट तक जा रही हो, जरूर आपको देखना है ये सीरीज कहां तक जा रही हो, इनफिनाइट तक जा रही हो, बहुत बढ़िया। ज्ञान प्रकाश जी, सोनू जाट, हैप्पी लोधी, बहुत बढ़िया। कुमोद यादव जी, दीपा देवासी, वेरी गुड। सोनू जाट, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जल्दी से आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, 15-15 चल रहा है, ये तो बड़ा सरल है, सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15। याद क्या रखेंगे, फिर से मैं बता रहा हूं, ये सीरीज कहां तक जा रही हो, इनफिनाइट तक जा रही हो, इनफिनाइट तक जा रही हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ अब देखो बेटा ये थोड़े से क्वेश्चन क्या है, अलग टाइप के हैं। अब यहां पर देखना है ये इनफिनाइट तक तो सीरीज जा नहीं रहे और स्क्वायर रूट में आगे बढ़ रही है, किसमें बढ़ रही है, स्क्वायर रूट में। तब बेटा बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन होता है, 5 into 5 into 5, ये स्क्वायर रूट में है, किसमें, स्क्वायर रूट में है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको ये देखना है स्क्वायर रूट में है तो यहां पर भी एक 2 होता है, यहां पर भी 2 होता है, यहां पर भी 2 होता है, तो 2 का गुणा कर दो 2 से, 2 दूना 4 4 दूना 8, कितना आएगा, 8। अब 8 के ऊपर बटे लगाओ, 8 के ऊपर एक कम कर दो, 8 से 7, आपका आंसर आ गया 5 की पावर 7 by 8, 5 की पावर 7 by 8। हां बहुत बढ़िया,
दो दुना चार दुना आठ इंटू करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले पे आते हैं, तो अगला भी क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहां पर देखो कितने हैं, रूट एक दो तीन चार रूट हैं, तो चार रूट हैं, तो आपको क्या करना है, दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो कितना आ जाएगा, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, सोलह आया है, सोलह से ऊपर एक कम कर दो, कम करोगे तो कितना हो जाएगा, पंद्रह, यानी नीचे अंदर जो चल रहा है वो छह, उसको छह यहां लिख दो। अब छह की पावर ये कितना लिखा हुआ है, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, सोलह ऊपर क्या आ जाएगा, पंद्रह, आपका ये आंसर है, छह की पावर पंद्रह बटे सोलह, छह की पावर पंद्रह बटे सोलह। हाँ बेटा सत्येंद्र जी बिल्कुल डेली क्लास चलता है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीन है, क्वेश्चन नंबर तीन है, तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है। अब यहां पर भी वैसे ही है, कितने रूट लगे हुए, एक दो तीन चार, चार रूट लगे हुए, यानी दो का गुणा चार बार करना है, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, सात की पावर, सात की पावर सोलह को एक कम करके ऊपर चढ़ा दो, कितना, पंद्रह, कितना आ जाएगा, पंद्रह, यानी सात की पावर पंद्रह बटे सोलह, सात की पावर पंद्रह बटे सोलह, वेरी गुड। बेटा देखना होता है इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट तक नहीं है ना, ये इन्फिनाइट तक होते हैं, अगर इसी में हम ये डॉट 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 लगा देते और ये इन्फिनाइट तक चला जाता तो बेटा इसका आंसर फिर केवल पांच ही हो जाता, क्या हो जाता, पांच ही हो जाता, लेकिन बच्चा ये इन्फिनाइट तक गया नहीं है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ये इन्फिनाइट तक गया नहीं, इसमें तीन ही रूट लगे हुए हैं, कहीं इन्फिनाइट तक गया है, नहीं गया है, तो बस इन रूट को काउंट करते हैं, एक दो तीन, तीन बार हैं तो तीन बार दो का गुणा करेंगे, दो इंटू दो इंटू दो कितना आएगा, दो दुना चार दुना आठ कितना आया, आठ आया, आठ को हम जो अंदर चल रहा है रूट के अंदर, पांच पांच अंदर चल रहा है, तो पांच की पावर आठ लिखेंगे और आठ के ऊपर आठ से कम संख्या लिखेंगे, आठ से कम संख्या क्या होगी, आठ से कम संख्या सात होगी, यानी पांच बटे आठ इसका आंसर आ रहा था, बस यही तो कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताना है हमें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कोई डाउट नहीं रखना है किसी को, एक जैसे लगते जरूर हैं लेकिन हम इनको कर ले जाएंगे। चलो भाई इसका आंसर क्या होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा देखो ध्यान से, दिखाई देगा, चलो भाई देखो, अब यहां पर 11 तक जा रहा है, बहुत बढ़िया, तो आपको क्या करना है, जो अंदर चल रहा है उसको आधार मानते 11 ले लिया है, अब कितने रूट हैं, एक रूट दो रूट तीन रूट चार रूट पांच रूट, पांच रूट हैं, तो दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो यानी कि 32 आ गया, और 32 में एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ये आंसर आपका। हाँ रितेश कुमार गुप्ता जी, कल क्लास नहीं हो पाई थी, नेट का इशू था, आज भी थोड़ा नेट का इशू था, चलो भाई अगली क्लास पर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हम लोग सीख लेते हैं, देखो जब करणी सेम होती है, करणी सेम होती है, अब कह रहे हैं निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात करना है, करणियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। अब यहां पर रूट दो है, यहां पर भी रूट दो है, लेकिन ये तीन का मल्टीपल है, ये करणी पांच का मल्टीपल है, लेकिन करणी क्या है, सेम है, जब सेम करणी होती है तो जुड़ जाती है, पांच तीन आठ, आठ रूट तीन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अभी हम लोग क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी केवल समझते जाओ, अभी केवल समझते जाओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव, करणी सेम है सब में, रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव, तो तीन तीन दो पांच, यहां पर कुछ नहीं तो एक होता है, तीन तीन दो पांच, पांच एक छह, आंसर कितना आ जाएगा, छह रूट फाइव, कितना आ जाएगा, छह रूट फाइव, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बात इतनी समझ में आ रही है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर देखो, यहां पर देखो क्यूब रूट सेवन, करणी इधर क्यूब रूट सेवन की है, इधर करणी क्या है, क्यूब रूट सेवन की है। अब यहां पर करणी सेम है, करणी सेम है, तो तेरह में सीधा ये माइनस का निशान लगाया ना, तो तेरह में सीधा सात घटा दो, और जैसे ही तेरह में सात घटाओगे बच्चा मेरा लल्ला, क्या आएगा, तेरह में सात घटाते ही आ जाएगा छह, तो छह क्यूब रूट सेवन, छह क्यूब रूट सेवन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर
फोर, क्वेश्चन नंबर फोर। अब यहां पर भी देखो करणी सेम है, यहां पे 19, रूट 19, यहां पर भी 19, यानी इसका मल्टीपल 7, इसका मल्टीपल 5, 7 में 5 गए, माइनस है ना, तो 7 में 5 गए कितना आ जाएगा, 7 में 5 गए आ जाएगा 2, 2 रूट 19, बात बड़ी सरल है, बात बड़ी सरल है, हो जाएगा ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अभी हम सीख रहे हैं और क्वेश्चन अभी जल्दी से ही आ रहे हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन अभी हमको मिलने वाले हैं तुरंत, ये 5 पर आ जाओ, क्योंकि अभी इस पर प्रैक्टिस जितनी हो जाएगी तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी बड़े आसान लगेंगे। हाँ, अब इनको थोड़ा सा तोड़ना है, रूट 50 लिखा हुआ है, रूट 50 को हम क्या लिखते हैं, 5 × 5 × 2, 25 दुना 50 लिखते हैं, प्लस रूट 98 लिखा है। तो देखो ये भाई, 2 से जहां डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 और कितना आ जाएगा, 2 × 18, यानी ये लिखा है 2 × 7 × 7 लिखा है, 7 × 49 × 98, 72 क्या लिखा हुआ है मेरे लाल, तो 72 लिखा हुआ है अंडर रूट 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8, 8 × 3 = 24, 3 × 72 ये लिखा हुआ है। अब जब दो नंबर होंगे, दो का एक पेयर बनेगा, दो दो का पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ पर दो का एक पेयर बना तो 5 बाहर आ गया, 5√2, ये अकेला रूट 2 फंस गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ गया, अंदर √2 बच गया, ठीक है, प्लस यहां पर एक पेयर ये बन गया और एक पेयर 3 का बन गया, तो 3 का पेयर आया बाहर तो 3, और जब 2 का पेयर बाहर आया तो 2, अंदर कितना बच गया, 2 बच गया, तो 3 × 2 = 6, ये कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यानी ये कितना है, 6√2, और ये 7√2, ये 5√2, सबकी करणी क्या है, सबकी करणी क्या है, सेम है, √2 √2 √2 करणी है, तो 5 × 7 = 5 = 12, 12 × 6 कितना हो जाएगा बेटा, 18√2 कितना हो जाएगा, 18√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18√2, बहुत बढ़िया देवेंद्र राघव जी, वेरी गुड, आपका सही है। गीता जी बहुत बढ़िया, सही है आपका भी, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप सभी को करना है जल्दी से भाई, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देखो 25 × 3 = 75 कहते हैं, यानी 5√ क्या करते हैं, 3 प्लस 108 है, तो 12 × 9 = 108 होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं 4 × 3 = 12 × 9 = 108, तो 4 से बाहर निकलेगा 2 और 9 से बाहर निकलेगा 3, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6√3, 6 × 36 = 36, 36 × 108 होता है, ठीक है, प्लस माइनस 147 से बाहर क्या निकलेगा, तो 3 से इसको करो, जहां 3 से तोड़ोगे क्योंकि अंदर 3 बच रहा है तो 3 से ही डिवाइड कर दो, 3 × 12 और 3 × 9 = 27, 3 × 12 = 3 × 9 = 27, 49 बच रहा है तो 49 से बाहर आ जाएगा 7, अंदर बच जाएगा 3, ठीक है, तो करनी सेम हो गई सबकी, तो 6, 5, 11 और 11 में 7 गया कितना आ जाएगा, 11 में 7 जाएंगे 4√3 आ जाएगा, 4√ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो बात समझ में आ गई है, कितना आ जाएगा, वेरी गुड, बढ़िया, चलो भाई चलो आगे चलते हैं, इसी पे आगे चलते हैं, एक मोटिवेशन आ गया है, मोटिवेशन क्या है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए। अब बिलीफ सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स में निगेटिविटी डाल देते हैं, यार मैथ्स तो बड़ी कठिन है, मैथ्स तो बड़ी कठिन है, मैथ्स नहीं आएगी, तो ये होता है बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम आपका क्या है, कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, क्या कहने से, जब आप निगेटिविटी अपने अंदर डालते हैं, तो बिलीफ सिस्टम को जितना आप मजबूत करोगे, बिलीफ सिस्टम क्या है, आपने तुरंत किसी टीचर ने कहा ऐसे मैथ्स लगानी पड़ेगी, XYZ मान के लगानी पड़ेगी, तो आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर हो गया, ठीक है, तो ये सब नहीं करना है हमको, थोड़ा सा बने रहना है अच्छे से कि आ जाएगी, आज नहीं है तो कल आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर, मैथ्स बड़ी सरल है, छोटी छोटी मैं चीजें सीख रहा हूं, उनको जब कंबाइंड करूंगा तो एक अच्छा सा मैथ्स का हमारे पास बहुत बड़ा क्या होगा, संग्रह होगा, ठीक है, चलो, तो ये चीजें कह रहे हैं ना, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुआ दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, और हमारे हिसाब से इनकी बात क्या है, बिल्कुल सही है। चलो भाई अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, √5 × √7 × देखो यहां पर क्या है, सब में
रूट टू की करनी लगी हुई है और इन टू लगा हुआ है, तो आप क्या करो, एक बड़ी सी लगा दो अंडर रूट, ठीक है, और अंदर 5 इंटू 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 35 या 105। तो भैया आएगा कि नहीं आएगा, 105 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। यहां पर देखो, यहां पर देखो, सब में 3 लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, सब में 3 लगा हुआ है, तो 3 लगा हुआ है तो अंदर गुणा कर दो, 2 5 10, 10 4 40, आंसर कितना आ जाएगा, 40 क्यूब रूट। क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 40 क्यूब रूट, 40 हो जाएगा, क्यूब रूट 40। चलो अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। अब ये है 15, ये है 3, तो चलो इसमें भी स्क्वायर रूट की है, ये भी करणी स्क्वायर रूट की है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रूट पूरा लगा दो स्क्वायर रूट का, और 15 बटे क्या कर दो, 15/3 कर दो, और 3 से ये 15 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 5, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। तो तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। वेरी गुड। चलो भाई अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको भी जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, तो 7 से ऐसी काट दो, क्योंकि ये 3 3 है तो 7 से ऐसी काट दो, 7 4 28, यानी क्यूब रूट कितना आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 4, क्यूब रूट कितना आ जाएगा 4, क्योंकि हम देख रहे हैं ये भी 3 की करनी है, ये भी 3 की करनी है, सेम करनी है, ठीक है, और सेम करनी होने पर, डिवाइड होने पर हम आसानी से इसको काट सकते हैं, गुणा करने पर हम आसानी से इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, इसमें भी स्क्वायर रूट है, इसमें भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो 7 3 21, 21 5 105, हम डायरेक्ट कह देंगे स्क्वायर रूट 105, ओके। इसी तरीके से हम सारे कर रहे हैं, इसी तरीके से हम बच्चा सारे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी डिवाइड का निशान लगा तो सीधा डायरेक्ट कर दो, 5 7 135 5, बहुत बढ़िया। हो जाएगा ना। चलो भाई अगले पर आ जाओ। ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब ये क्या है, इसमें आपको बताया गया है, लिखा गया है संयुग्मी पर आधारित प्रश्न है, यानी संयुग्मी क्या होता है, तो इसका संयुग्मी प्लस का है ना, ये तो माइनस वाला होता है संयुग्मी। अगर कहें 2+√3 का संयुग्मी क्या है, तो आप कहोगे सर जी 2-√3 है, क्या है, 2-√3 है संयुग्मी, अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो भैया संयुग्मी से ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा, जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न आपको दिखें, और बिल्कुल दिखने वाले हैं परीक्षा में, तो 3/2+√3 है, तो आप क्या करो, ऊपर कर दो 2- इसके संयुग्मी से गुणा, तो 2+√3 का संयुग्मी 2-√3 होता है, और बटे 2-√3, ठीक है। अब जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 2 कितना आ जाएगा, 6, 3 का गुणा जब इससे करेंगे तो माइनस का 3√3 बटे, अब जब 2 का गुणा बच्चा इनसे करेंगे, अच्छा एक देखो 2+√3 है, 2-√3 है, तो भैया ये चीज कहां पर अप्लाई होती है, जब हम कहते हैं एक ब्रैकेट में सर जी a+b लिखा हो और एक ब्रैकेट में लिखा हो a-b, तो इसका तो फार्मूला क्या बनता है, a²-b² बनता है, तो यही आपको चीज बना देती है, इसको हमने देखा a+b a-b, ये देखो 2+√3 2-√3, अब इनको देखा तो हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे 2² और -√3 है, तो √3 का भी कर दो बेटा क्या, स्क्वायर। और बेटा एक चीज तो हम जानते हैं, जब भी √3 का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंदर जो होती है 3 वही आ जाएगी, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर नीचे 3 और 2 2 4, अच्छा ये बताओ बस नीचे वाले का, तो 4-3 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 6-3√3 अच्छा 4 में 3 गया बचेगा 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6-3√3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, हाँ बहुत बढ़िया, 6-3√3, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल उत्कर्ष मोटिवेशन जी बिल्कुल। चलो अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर दो पर आ जाओ। अब ये है, इसका भी संयुग्मी हम ढूंढ लेते हैं, नीचे वाले के संयुग्मी से गुणा करते हैं, नीचे वाले का संयुग्मी क्या होगा, ये है रूट थ्री प्लस वन, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, रूट थ्री माइनस वन, तो ऊपर भी रूट थ्री माइनस वन से गुणा कर दो और नीचे भी कर दो रूट थ्री माइनस का वन। अब ऊपर तो स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी ये बन जाएगा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। और बच्चा नीचे देखो रूट थ्री कितना होगा, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर तीन होगा क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है ये, तो रूट थ्री का स्क्वायर नीचे बनेगा और माइनस वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन होता है, रूट थ्री का स्क्वायर तीन हो जाएगा, तीन माइनस वन, तो तीन में एक गया दो, ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर आप तोड़ भी सकते हो नहीं भी तोड़ सकते हो, तोड़ लो तो तीन प्लस एक माइनस टू रूट थ्री, तो तीन एक कितना आ जाएगा चार। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो चार माइनस टू रूट थ्री कितना आएगा, चार माइनस टू रूट थ्री बटे कितना है दो, अब दो से इसको काट दो, दो दूना चार दो इक्के, तो कितना आंसर आएगा टू माइनस रूट थ्री, कितना आ जाएगा, वेरी गुड, टू माइनस रूट थ्री। गीता वर्मा जी बिल्कुल सही है आपका। चलो अगले पे आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इसका, ठीक है, जब लाइव खत्म हो तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, ये भी आंसर दे लेना। तीन और चार हमने दोनों आपके लिए क्या किए, छोड़े हैं, इसमें रूट फाइव माइनस रूट तीन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे रूट सेवन माइनस रूट फाइव से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। चलो भैया आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अब आपको दिखेंगे, तो इनको कैसे करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। चलो भैया ये भी देखो, अब देखो यहां पर क्या करना है, जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखे अंडर रूट 5 प्लस टू रूट सिक्स, अच्छा 6 जो है ना इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूं तो क्या 2 इंटू 3 मैं इसको लिख सकता हूं, मतलब जो अंदर की चीज है उसको ऐसे तोड़ना है कि जो बाहर 5 लिखा हो उसको जोड़ने पर मिले, तो 3 इंटू 2 3 दूना 6 तो होता है 3 2 5 भी होता है, ठीक है, तो एक बार मैं इसको बता देता हूं फिर डायरेक्ट करने का मैं तरीका भी बता दूंगा। ये बच्चा क्या लिखा है, इसको भी ऐसे तोड़ लेंगे 2, ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको तीन लिख लेंगे, दो प्लस तीन, और ये कितना लिखा हुआ है बच्चा, ये लिखा हुआ है टू और दो इंटू रूट तीन। अगर इसको रूट दो की फॉर्म में लिखा जाए तो कहेंगे सर जी इसके ऊपर फिर स्क्वायर भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट दो का स्क्वायर प्लस रूट तीन का स्क्वायर, जब रूट तीन का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो तीन ही आएगा, प्लस टू रूट टू इंटू थ्री। अच्छा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फार्मूला हमारा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर रूट, और जब ये स्क्वायर यहां है और यहां पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, आंसर कितना आ जाएगा रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट टू प्लस कितना आ जाएगा रूट थ्री आ जाएगा। तो बच्चा इतना सब नहीं करना है हमें, हमें जो करना है केवल उतना समझना है। देखो करना क्या है, आपको ये देखना है कि ये छह क्या, छह के फैक्टर क्या जोड़ने पर पांच आ रहे हैं, वो कौन से फैक्टर हैं, तो तीन इंटू दो तीन दो पांच आ रहे हैं, बस इनके ऊपर क्या कर दो, एक रूट तीन के ऊपर चढ़ा दो स्क्वायर रूट और प्लस और एक दो के ऊपर चढ़ा दो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर ठीक है। चलो अब जैसे दूसरा हमें करना है, दूसरा हमें करना है तो दूसरा कैसे करेंगे, यहां पर देखो 40 लेकिन ये दो नहीं है यहां पर, तो दो इससे निकालो, लेकिन दो जब बाहर आएगा तो अंदर से चार लाएगा, क्योंकि जब अंदर चार होता है और अंडर रूट चार की वैल्यू ही बाहर क्या होती है, दो होती है, क्योंकि चार के क्या करते हैं फैक्टर करने पड़ते हैं, तो दो इंटू दो, तो दो का पेयर बाहर एक बन जाता है, ठीक है, पेयर बाहर निकलते हैं, दो दो के पेयर निकलेंगे बाहर, ठीक है, तो ये भी बात समझ गए। तो यहां से जब चार निकालोगे तो बस बात समझना, यहां पर मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 12 प्लस अंडर रूट 140 और इसका लगा है स्क्वायर रूट, ठीक है, तो
तो 40 से हम चार निकाल रहे हैं बाहर, जब लेकिन चार से काटेंगे तो बाहर दो ही निकलेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, 12 प्लस दो रूट, चार से काट दो तो चार नहीं 12 और बच्चा कितना दो, चार पंचे 20। देखो उसी फॉर्म में मिल गया कि नहीं, एक नंबर के तरीके, ये वाला मिल गया, दो यहां पर आ गया, यहां पर दो था, ठीक है। अब 2ab लिखा है, ये ab लिखा है, तो 35 को हम क्या फैक्टर करें, 5 इंटू 7 कर सकते हैं, 5 सते 35, देखो 7 5 क्या 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 12, तो अब इसका ही आंसर रूट 5 प्लस रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही मेरे लाल, रूट 5 प्लस रूट 7 हो जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसी में, अरे हाँ, अब आते हैं कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो 3 पर भी कर लो, बड़ा आसान है, इससे भी दो बाहर निकालोगे तो हम इसको क्या, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 8 माइनस 2 निकाल लो बाहर, तो अंदर क्या है, अंदर 4 निकलेगा 60 से, तो 4 निकलेगा तो ये 15 आ जाएगा बच्चा, 15 को हम 5 इंटू 3 लिखते हैं, 5 इंटू 3 5 से ही 15 होता है, और 5 3 8 भी होता है जोड़ने पर, जोड़ने पर 5 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, तो इसका आंसर रूट 5, लेकिन अब बच्चा निशान लगा है माइनस का, तो रूट 5 माइनस क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, रूट 5 माइनस क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। चलो अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते तो ये भी सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो यहां 84 है, तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 10 माइनस 2 बाहर निकालो, लेकिन अंदर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कर दो, 4 दूना 8, 4 इक्के 4, 21 के ऐसे फैक्टर करो बच्चा कि जोड़ने पर 10 आ जाए, तो आप कहोगे सर जी 7 इंटू 3 होता है, क्या होता है, 7 इंटू 3 होता है, तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3, लेकिन बच्चा यहां पर निशान क्या लगा है, यहां पर निशान माइनस का लगा है, तो माइनस का तुम भी यहां लगा दो, आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखो ये भी बड़े आसान से क्वेश्चन है, कभी आपको पूछ लेते हैं तो ये भी देखो सीखो, इसमें पूछ लेंगे कौन सी छोटी है सबसे और कौन सी बड़ी है सबसे, तो भैया एक हम बताएंगे आपको और सारे आपको करने हैं, ठीक है, तो एक समझ लो हमसे, हम क्या करेंगे जब कुछ नहीं होता तो यहां पर हम क्या मानते हैं, दो मानते हैं, तो 3 और 2 और 3, 3 ये 3 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3, 3 2 3 का एलसीएम निकाल लो बच्चों, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 3 का एलसीएम बच्चा आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 3 का एलसीएम निकाल लो, अब लाइन खींच कर भी निकाल सकते हो, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, अब 6 से डिवाइड करो, 3 को 6 से डिवाइड कर दो, यानी जब 3 को 6 से डिवाइड करोगे, देखो पहले वाले से देख रहे हैं यहां पर 3 है ना, 3 को 6 से भाग लगा दो तो 3 दूना 6 आएगा, तो 2 की पावर हम 6 को क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर ये 3 है, ये 3 उतार लो, फिर अब 6 को हम क्या कर देंगे, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, किस 2 से, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर 4 है, ठीक है, अब 6 को ही डिवाइड करना है, लेकिन किससे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूना 6, यहां पर 2 आया, 2 3 6 यहां पर 3 आया, 3 दूना 6 यहां पर 2 आया, ठीक है, ठीक है, इतनी बातें तो बात बिल्कुल सही है। अब बच्चा देखो 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 2 2 दूना 4, 3 की पावर 3 3 त्रिको 9 त्रि कितना होता है 27 होता है, 4 की पावर 2 है तो 4 चौ कितना होता है 16 होता है, अब आप ही बताओ कौन सी बड़ी है सबसे, तो सबसे बड़ी है ये वाली, 27 सबसे बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ी है आपकी कौन सी, हाँ तो सबसे बड़ी है आपकी ये वाली, ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी कौन सी है, तो 4 27 16 में सबसे छोटी ये है, तो सबसे छोटी हो गई ये वाली, ये छोटी सबसे हो गई, तो हमसे कौन सा पूछा था, हमसे कह रहे थे
इनमें 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 सबसे छोटी बताओ, तो सबसे छोटी कौन सी है बच्चा? सबसे छोटी क्यूब रूट दो है, सबसे छोटी क्यूब रूट दो है। बहुत बढ़िया, तो सबसे छोटी कौन सी है? क्यूब रूट दो है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब आप जल्दी से बता देना, जल्दी से बता देना एक बार। हाँ दूसरा देखो, तीन यहां पर दो होता है, यहां पर दो होता है, जब कुछ नहीं होता है स्क्वायर रूट पर तो दो होता है। तो तीन तीन दो तीन का एलसीएम कितना आएगा? छह आएगा। तो छह को डिवाइड करना है, पांच की पावर छह को तीन से डिवाइड कर दो, तो पांच तीन दूना कितना आ जाएगा? छह, दो आ जाएगा। इंटू दो को छह से डिवाइड कर दो, यानी चार की पावर दो तीन छह, तीन आ जाएगा। इंटू तीन है ना, तीन से छह को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? तीन दूना छह, यानी छह की पावर दो, पचम पच्चीस, चार चौक सोलह चौको चौंसठ, छचरंग छत्तीस। कह रहे सबसे बड़ी कौन सी है? तो बच्चा सबसे बड़ी चौंसठ दिख रही है, यानी बीच वाली क्या है? सबसे बड़ी है रूट फोर। रूट फोर क्या है? सबसे बड़ी है। बहुत बढ़िया, रूट फोर क्या है बच्चा? सबसे बड़ी है। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ईसा जी, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से देखो इसको, फिर से हम अच्छे से अच्छा समझते हैं। फिर से देखो, अगर उस वाले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो इसमें समझ लीजिए। दस क्यूब रूट सिक्स, क्यूब रूट फोर, फोर क्यूब रूट कितना? फोर्थ रूट थ्री है, फोर्थ रूट थ्री है। आरोही क्रम में लिखना है। अच्छा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बड़ा है ना, तो बढ़ते क्रम में, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये क्या है? आरोही क्रम है। ठीक है, आरोही क्रम है ये बच्चा। चलो अब देखो, चार तीन चार का एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा बारह। देखो चार तीन चार का एलसीएम हमें निकालना है, चार तीन और चार का एलसीएम निकालना है, कितना आ जाएगा? बारह आ जाएगा। ये बारह क्या है? एलसीएम है। अब इसी बारह से ही डिवाइड करना है और पावर बनती चली जाएगी। चार से डिवाइड कर दो बारह को तो चार तई बारह, तीन तीन से डिवाइड कर दो बारह को तो तीन चौक बारह, चार से डिवाइड कर दो तो चार तई बारह। अब ये दस नीचे लिख दो, दस की पावर तीन हो गया, ये छः है यहाँ छः लिख दो, यहाँ तीन है यहाँ नीचे तीन लिख दो। अब दस की पावर तीन बच्चा एक हजार होता है, कितना होता है? एक हजार होता है। ठीक है, छह की पावर चार कितना होता है? तो छचरंग छत्तीस, छक्का छत्तीस स्क्वायर, यानी बारह सौ छियानवे। छत्तीस का स्क्वायर कितना होता है? बारह सौ छियानवे होता है। तीन तरफ को नौत्रिक इक्यासी होता है। अब आप बताओ इसमें पूछा क्या है? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही यानी कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो छोटी इक्यासी है और इक्यासी किससे निकला था? इससे निकला था, तो यानी पहले आ जाएगा तुम्हारा ये। ठीक है, फिर बढ़ते क्रम में तो इसके बाद बड़ा कौन सा है? हजार वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कौन सी? फोर्थ रूट टेन। कौन सी बड़ी है? फोर्थ रूट टेन, तो फोर्थ रूट टेन बड़ी है। फिर उससे भी बड़ी कौन सी है? तो उससे बड़ी बारह सौ छियानवे की वैल्यू है। कौन सी है? क्यूब रूट सिक्स। कितनी है? क्यूब रूट सिक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, बड़े अच्छे से क्वेश्चन होते हैं ये सारे। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर। तो जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? फोर्थ रूट सेवन, क्यूब रूट फाइव, फोर्थ रूट टेन को अवरोही क्रम में लिखिए। किसमें लिखना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्या होता है? अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले बड़ा मिलेगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में। तो चलो यहां पर चार तीन चार है, फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं सेवन, ये क्यूब रूट कितना है? पांच, और ये कितना है? फोर्थ रूट टेन, फोर्थ रूट टेन। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि इनका भैया एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। जो मूल है इसमें चतुर्थ मूल है, इसमें क्या है? तृतीय मूल है, इसमें क्या है? चतुर्थ मूल है। तो चार तीन चार का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम बच्चा आ जाएगा बारह, फिर आ जाएगा बारह। चार से डिवाइड करो बारह को तो चार तीन बारह, तीन तीन से डिवाइड करो बारह को तो तीन चौक बारह, चार से डिवाइड करो बारह को तो चार तीन बारह,
तीन बार भाग गया। सबके नीचे जो संख्याएं लिखी हैं बस इनको उतार दो, नीचे सात यहां पर आ जाएगा, यहां पर पांच है तो यहां पर भी पांच, यहां पर दस है तो यहां पर भी दस आ गया। अब बताओ भाई सात की पावर तीन कितना होता है, सात सत्ते उनचास यानी 343 होता है सात की पावर तीन। पांच की पावर चार क्या होता है, पचम पच्चीस, पंचे 125, पंचे 625 होता है, होता कि नहीं होता है। दस की पावर तीन कितना होता है, 1000 होता है। अब आपको बताना है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, सबसे बड़ी हो गई हजार, यानी सबसे पहले कौन सी आएगी, हाँ फोर्थ रूट टेन, सबसे पहले कौन सी आ जाएगी भाई, सबसे पहले आ जाएगी, लो भाई चला गया, सबसे पहले कौन सी आएगी, फोर्थ रूट टेन आई थी है ना, कौन सी आई थी भाई। चलो आप लोग इसको देख लीजिएगा, हमसे चला गया है वो, फिर से आ नहीं पाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। आप लोग देखिएगा अवरोही क्रम में लिखना है, शायद ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो अवरोही क्रम में लिखना है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे आ जाओ दोस्तों, यहां से आपकी एक्सरसाइज चालू हो गई है, पहले नंबर से क्वेश्चन से। बड़ी जतन के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब एक्सरसाइज पर, बड़े जतन के बाद, ठीक है। तो अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अभी तो एग्जाम्पल कर रहे थे, उदाहरण कर रहे थे, अब लोग हम आ चुके हैं कहां पर, क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर आ चुके हैं, अब जल्दी से हमको क्या करना है, सॉल्व करने में लग जाना है। अब देखो बड़ी आसानी से ही हमको सॉल्व करना है, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट हो जाइए आप सभी। यहां पर 16 की पावर पॉइंट 16 लिखा है, कितना लिखा है, 16 की पावर पॉइंट 16 लिखा है, इंटू 2 की पावर कितना लिखा है, 0.36 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, इधर इसको तो तोड़ा नहीं जा सकता, इसको लेकिन तोड़ा जा सकता है, इसको 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 होता है, 2 की पावर 4 की पावर पॉइंट 16 कितना, 0.16। अब बेटा जब ब्रेकेट हटाएंगे, ये क्या हटाएंगे, ये ब्रेकेट हटाएंगे तो गुड़े का निशान लगेगा, तो 16 चक्को 64 होता है मेरे लाल, तो मतलब हो जाएगा 2 की पावर पॉइंट 64। दो अंकों के बाद क्यों लगा रहे दशमलव, क्योंकि दो अंकों के बाद दशमलव लगा है, 16 चक्को 64 पॉइंट 64 इंटू, यहां से 2 की पावर कितना है, 0.36 है, तो यहां पर भी 2 की पावर क्या कर दो, 0.36 ऐसे ही उतार लो। अब देखो आधार सेम है तो ये क्या हो जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 64 और 36 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हासिल लगे, 1 3 1 4 6 4 10 कितना, 100 आएगा, लेकिन दो अंकों के बाद दोनों में दशमलव लगा है, तो दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो, यानी 2 की पावर 1 मतलब कि 2। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अजय यादव, अनिकेत मिश्रा जी वेरी गुड, वर्षा सिंह वेरी गुड, सौम्य दीक्षित बहुत बढ़िया, धमाकेदार। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। 256 लिखा हुआ है और यहां पर भी 256 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। 256 को हम 4 की पावर 4 लिखते हैं, जैसे ही 4 × 4 × 4 × 4 करेंगे तो 4 चौक 16 चक्को 64 चक्को 256 आता है, यानी हम इतने को हम 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो इतने को हम हटा देते हैं, यानी 256 को हमने 4 की पावर 4 लिख दिया है और पावर कितनी है, 0.16 है, इंटू इसको हम फिर से 4 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसकी भी पावर कितनी है, 0.09 है। अब हमने कहा है जब भी ब्रैकेट हटाते हैं मेरे लाल, गुड़े का निशान लगता है, किसका निशान लगता है, गुड़े का। तो 16 चक्को 64 यानी 4 की पावर 0.64, दो अंकों के बाद दशमलव लगा था, दो अंकों के बाद दशमलव लगा है, बस गुणा कर दिया 16 चक्को 64 इंटू नचौक 36 यानी 4 की पावर 0.36 आ जाएगा, और 0.64 0.36 यानी 4 की पावर 1.00, 100 तो होता है लेकिन दो अंकों के बाद जीरो लग गया है, यानी कि 4 की पावर 1.00 पॉइंट के बाद जीरो खराब होते हैं, यानी 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हाँ कि ना भाई। चलो बहुत बढ़िया, सौरभ शर्मा जी, प्रवीण गोस्वामी, अजय, अथर्व कुमार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई।
चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, लाइक का बटन दबा दो मेरे शेरो, लाइक का बटन दबना चाहिए सभी का, लाइक का बटन दबना चाहिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, 4 की पावर 0.5 × 0.5 की पावर 4 का मान बताइए। एसएससी स्नातक परीक्षा यानी कि सीजीएल में पूछा गया आपसे। तो चलो देखो, 4 की पावर 0.5 है और 0.5 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 4 की पावर अगर 0.5 है, थोड़ा सा समझो, यहां पर 4 को हम 2 की पावर 2 लिख लें, इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख लिया, 2 की पावर 2 4 होता है, और 0.5 × अब 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 5/10, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और क्या है बेटा यहां पर पावर 4 है, हो जाएगा कि नहीं। और इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको काटा कितना आ गया, 5 × 2 = 10, यानी 1/2 की पावर कितना है, 4 है, और इंटू 2 × 5 = 10 यानी 2 की पावर 1.0, और 2 की पावर 1.0 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, इंटू 1/2 × 2 × 4 × 8 × 16 यानी 1/2 कितना है, 16, और 2 से 16 को काटा, 2 × 8 = 16 होता है, 1/2 कितना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा, 1/8। तो बात आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड प्रशांत सिंह जी, वेरी गुड। तो 1/8 कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन, कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हरिंदर चौहान जी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है, 256 को अभी हमने बताया 4 की पावर 4 लिखते हैं। अच्छा कुछ संख्याएं हमको याद होनी चाहिए, 256 को हम 4 की पावर 4 लिखते हैं, और फिर कितना है, 0.16 है, इंटू 16 को हम 4 की पावर 2 लिखते हैं, और फिर उसके आगे कितना है, 0.18 है, 16 × 64 यानी 4 की पावर 0.64 इंटू 2 × 18 = 36 यानी 4 की पावर 0.36, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, तो 64 36 में जुड़ गया, कितना आ गया, 4 की पावर 1.00 और 4 की पावर 1.00 का मतलब ही 4 होता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। अब आपको दिख रहा है ये 212 है, यहां पर क्या है, 848 है, क्या 212 इससे बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, जब 4 का गुणा इसमें करोगे, यानी 4 का गुणा इसमें किया हुआ है, 212 में अगर 4 का गुणा कर दोगे तो 848 बन जाएगा। तो हम यहां पर बात को समझ गए हैं कि ये 212 सेम करना चाहते हैं, तो पहले 212 की पावर 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये जो 848 लिखा है इसको 4 से डिवाइड कर दिया और गुणे में ही लिख दिया, 4 × 4 × 8 = 4 × 4 = 4 बेटा बताओ क्या 848 को मैं 4 × 212 लिख सकता हूं, जैसे ही 4 × 212 करोगे फिर 848 आ जाएगा, और 0. क्या है, 5 है, तो बेटा 212 की पावर 0.5 × अब 4 की पावर अलग कर दो इसको, 4 की पावर भी 0.5 है, और इंटू 212 की पावर भी क्या है, 0.5 है, एक बार इसकी पावर भी ये लिख दिया, एक बार इसकी पावर भी लिख दिया, देखो 4 की पावर 0.5, 212 की पावर 0.5। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा मेरे शेर, तो 212 ये देखो आधार सेम है ना, ये आधार सेम है ना, आधार सेम होता है तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो 0.5 एक हो जाएगा, 0.5 कितना हो जाता है, एक, यानी 212 की पावर 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंटू ये 4 की पावर 0.5 लिखा है, यानी 2 की पावर अगर हम 2 कर दें 4 को, और इसकी पावर कितना है, 0.5, तो 5 × 10 करोगे तो 1.0, यानी यहां से इसकी वैल्यू तुमको पता है कितनी आ जाएगी, जब गुणा करोगे 0.5 का 2 से तो 2 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 की पावर 1, तो यहां पर आ गया 212 × 2, आंसर कितना है, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 4, 424, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
प्रशांत पाल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाल? देखो क्वेश्चन तो हम करेंगे, चाहे जितनी रात हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छह, यहां पर 16 की पावर 0.16 है, 16 की पावर पॉइंट क्या है 16 है। चलो भाई यहां पर बताओ जल्दी से, कौन कौन वैलेंटाइन डे मना रहा है, जल्दी से बताओ कौन कौन घूमने जा रहा है कल? कल आपकी मैराथन क्लास हमने इसी वजह से लगाई है क्योंकि किताबों के साथ वैलेंटाइन डे मने, ठीक है। कल मैथ्स की भी आपकी क्लास रहेगी और मॉर्निंग में भी जो पूरा करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स का ही क्लास नहीं होगा। वो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब जो भी आप परीक्षा दे रहे हो उसमें सबसे क्वेश्चन आपकी उस क्लास से फंसेंगे, ठीक है। हाँ चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर छह देख लेते हैं। तो छह क्या है, 16 की पावर 0.16 है, तो 16 की पावर 0.16 का मतलब क्या है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 0.16, ठीक है, इनटू, अब ये तो पहले ही लिखा हुआ है 2 की पावर 0.36, और भैया ये जब इनटू हटाएंगे, ये जब इनटू हटाएंगे तो गुड़े का निशान हो जाता है, सॉरी जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इनटू का निशान हो जाएगा, 16 चक्को 64 यानी 2 की पावर 64 हो जाएगा, इनटू 2 की पावर कितना है 0.36। अब 0.36 0.64 क्योंकि आधार क्या है सेम है, जुड़ जाएंगी घाते जुड़ जाएंगी यानी पावर का ऐड कर देंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 1.00, यानी 2 की पावर 1.00 का मतलब ही क्या होता है 2 होता है। सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। आकाश प्रताप यादव जी कह रहे हैं हम नहीं मनाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, चलो क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक अच्छा भी नहीं लगेगा मनाने में। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ ये लिखा है जीवन में पहली सफलता के बाद रुके नहीं, अगर आप छोटी सी सफलता पा जाते हैं तो जीवन में पहली सफलता के बाद रुके नहीं, क्वेश्चन के यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए हैं तो लोग यही कहेंगे कि आप पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली है, आपकी जो पहली सफलता है वो भाग्य की वजह से मिली है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, जीवन में पहली सफलता के बाद रुके नहीं क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए हैं तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली है, यानी कि अगर चींटी भी प्रयास कर रही है तो निरंतर प्रयास करती रहती है, वो चाहे जितने बार गिरे, वो चाहे जितनी बार गिरे वो अपना प्रयास छोड़ती ही नहीं है, यानी उसका कर्तव्य बन चुका है कि प्रयास करते रहना। तो आपका भी ये कर्तव्य बनना चाहिए कि उस प्रयास को रोकना ही नहीं है, हमेशा करते रहना है। और देखो हारेंगे तभी जीतेंगे, अगर हारेंगे ही नहीं तो फिर जीतने का मजा भी नहीं आएगा, तो हमें हार से डरना भी नहीं है, हारेंगे तभी जीत का एहसास होगा, जीत का स्वाद मिलेगा, ठीक है अच्छे से। क्योंकि जब भूख लगती है, जब भूख लगती है और थोड़ी देर तक खाना ना मिले और उसके बाद भूख और तेजी से क्या है, बिल्कुल लगता है यार अब नहीं मिलेगी तो अब बस अनर्थ हो जाएगा, तब आपको खाना मिलेगा ना तो उस खाने को आप जीवन भर याद रखोगे, ठीक है। बिल्कुल एंड टाइम पर मिला है जब तुम बिल्कुल जाने वाले थे तब पानी मिला है, तो पानी की कीमत क्या होगी भाई, वो सब चीजें आपको देखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर, 2 की पावर यहां पर क्या है, 2 की पावर 2 और ये क्या है -2 है, तो 2 से 2 का गुणा कर दो भाई, 2 से 2 का, या तो पहले क्या कर लो इसको डिवाइड में कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि 2 से जब 2 का गुणा करोगे तो बेटा कितना आएगा, 2 की पावर आ जाएगा कितना -4, माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 की पावर -4, बिल्कुल हाँ वेरी गुड। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, 7th का आंसर जल्दी से बताओ, 7th का आंसर जल्दी से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, देखो करना क्या है, यहां पर जो निशान है ये गुणा नहीं करना है, इसका गुणा डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये 2 की पावर -2 लिखा है, ये ब्रैकेट में नहीं है, तो थोड़ा सा इसको हमें ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। देखो मैं फिर से लिख देता हूं इसको, 2 की पावर -2 है ना,
कहीं पर अगर 2 की पावर माइनस 2 लिखा है तो इसका आंसर ही होता है, अब इसको माइनस को प्लस करना है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 1 बाई कितना आ जाएगा 4। इसको जब 2 की पावर माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 4 हो जाएगा। इसको बेटा यही तो लिखते हैं, 1 बाई 2 की पावर प्लस का 2, और 1 बाई 2 की पावर जब प्लस का 2 है तो सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 4 आ जाएगा। तो बस इतना ही हमको यहां पर देखना है कि ये लिखा है 2 की पावर 1 बाई 4, हमने इतने को सॉल्व कर लिया ना, इतने को सॉल्व कर लिया ना, ब्रेकेट लगाओगे तो गुणा हो जाता, जो अब तक गलती हो रही थी अभी वो गलती नहीं करनी है। यहां पर 2 की पावर माइनस 2 है, ठीक है, ब्रेकेट अगर इधर लगा होता तब तो गुणा कर देते, ठीक है, तो 2 की पावर 1 बाई 4 है, इसका मतलब है ये करणी है 1 बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट हो जाएगा, फोर्थ रूट कितना आ जाएगा 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। वेरी गुड अरुण प्रजापति जी, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर नौ, देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 16 की पावर 3/4 लिखा है, तो इसको हम 16 को क्या लिखते हैं, केवल 16 को बताओ क्या लिखेंगे, तो केवल 16 को हम लिखते हैं 2 की पावर 4। अब ब्रेकेट लगा दो और 3/4, और हम बार बार चिल्लाते आ रहे हैं आपसे कि जहां ब्रेकेट लगा हो वहां इंटू अगर लगाएं, इंटू लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटू लगाते ही क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 × 3/4, और फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, यानी बी ऑप्शन क्या है सही है, बी ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बागी बलिया से हैं सुनील शर्मा जी, बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, 36 का पावर 1/6 है, 36 का पावर कितना है 1/6 है, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, 6×36, 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 है, और यहां कितना है 1/6 है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 × 1/6, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा तो इसकी जगह इंटू लग जाता है, तो 2×3 6, यानी कितना है यहां पर 6 की पावर 1/6, 1/3 और 6 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्यूब चढ़ जाएगा आपके क्यूब रूट, कितना क्यूब रूट 6, डी ऑप्शन क्या है सही है, डी ऑप्शन क्या है सही है, वेरी गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 क्या होगा, तो ध्यान से देखो, 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, अब ब्रैकेट लगा दो, यहां पर कितना आ जाएगा 2/3 है, अब आप बताओ ये ब्रैकेट हटेगा तो इंटू का निशान लगेगा, पावर पावर इंटू में हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 2/3, अब 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2 की पावर, ये बचा 2 की पावर 2 होता कितना है तो 4 होता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया अरुण प्रजापति, देवेंद्र शर्मा, अनिकेत मिश्रा जी, वेरी गुड, सुनील शर्मा, बहुत बढ़िया, धमाकेदार। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, 27 की पावर 2x-1, ठीक है, बराबर कितना है 243 की पावर 3, ये लिखा हुआ है, x का मान बताना है, 27 को हम क्या लिखते हैं 3 की पावर 3 लिखते हैं, 3 की पावर 3 27 को, और ऊपर वही लिख दो 2x-1, यही लिख दो ऊपर, ठीक है, बराबर 243 को हम 3 का गुणा जब 5 बार करेंगे, 3 × 9 = 27 × 81 कितना आ जाएगा 243, यानी इसको हम 243 को हम 3 की पावर 5 बराबर होता है कितना 243,
तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5, और यहां पर ब्रैकेट लगा दो 3, तो गुणा हो जाएगा 5 3 15, यहां पर कितना आ जाएगा 3। अब इसका भी गुणा होगा तो 3 का गुणा पहले 2x से करो, 3 2 6x, माइनस 3 का गुणा अब 1 से करो, 3 1 3 बराबर 3 का गुणा 5 3 15, यानी 3 की पावर कितना आ जाएगा 15। अब देखो आधार आधार सेम है तो आधार से आधार कैंसिल हो गया, बस पावर को तुम क्या कर दो, बराबर कर दो। पावर यहां पर कितनी है, पावर यहां पर कितनी है, चलो यहां पर पावर कितनी थी, तो यहां पर था 3 2 6x, तो 6x माइनस 3 था ना, तो 6x माइनस 3 बराबर, यहां से देखो इसको तुम्हें बराबर करना है, क्योंकि देखो आधार क्या है, 3 3 कट गया, तो 6x माइनस 3 बराबर कितना है 15 है, तो ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, और 6 से इसको काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 18 3 आ जाएगी, यानी यहां पर ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हाँ बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चलो भाई जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 13। अनिकेत, अरुण प्रजापति, कुलदीप, निष्कर्ष, विजय, विनोद, अरुण प्रजापति, बहुत बढ़िया, सभी लोग इतनी रात में पढ़ रहे हो, यही काबिले तारीफ है, यही काबिले तारीफ है, जरूर सफलता देर है लेकिन मिलेगी जरूर, मिलेगी जरूर। बेटा क्लास आज 9 बजे चालू हुई थी, लेकिन क्लास हमेशा हमेशा क्लास 8:30 बजे से चलेगी, कितने बजे से, 8:30 बजे से। कल का टाइम आपको सुबह बता दिया जाएगा, क्योंकि कल मैराथन है और कुछ स्पेशल क्लास चलेगी, मैथ्स की कोई स्पेशल क्लास चलेगी। तो 3 की पावर x+8 बराबर कितना है 27 की पावर 2, यहां पर 2 नहीं है शायद, मैं देख लेता हूं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूं। थ्री की पावर x प्लस 8 और है 27 की पावर 2x+1 है, कितना है 2x+1 है, हाँ भाई 2x+1 है, यहां पर क्या है 2x+1 है, इसको सही कर लो, 2x+1 है यहां पर, ठीक है इसको हटा दो यहां से। तो चलो 2x+ कितना है 1 है, तो चलो ये है दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां 27 को हम 3 की पावर में चेंज करें तो चेंज कर सकते हैं, 3 की पावर इधर x+8 है बराबर, यहां पर 27 को भी हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिकोण 27, और इसकी पावर कितनी है 2x+1 है। अब 3 से गुणा कर दो क्योंकि यहां तो सेम ही रहेगा, तो 3 की पावर x+8 बराबर 3 की पावर 3 से गुणा करो, तो 3 2 6x प्लस 3 का गुणा इनसे हुआ, 3 का गुणा 1 से भी होगा, 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर x प्लस 8 बराबर किसके हो जाएगा 6x+3 के हो जाएगा, यानी x प्लस 8 बराबर 6x+3, ये इधर जाएगा तो 5x, और ये इधर आएगा तो 8 में 3 गए 5, और 5 से 5 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, तो जल्दी से बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर b, देखो क्या कह रहे हैं a की पावर b बराबर कितना है 125 है, तो यहीं से तुम बातें समझ जाओगे कि a की पावर इसको b लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 25 × 5, इसको हम 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 5 की पावर 3, 3 बार 5 लिखा हुआ है, तो 5 की पावर 3 हो गया, यानी a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है, यहां से हमें पता चल गया a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है। तो ये पूछ रहे हैं किसके बराबर है बच्चा, ये पूछ रहे हैं, तो a माइनस बी यानी a कितना है 5 है, यहां से लिख लो, यहां से तुम्हें मिला क्या है, यहां से मिला है a की वैल्यू 5, यानी a बराबर कितना है 5 है, और यहां से b बराबर कितना मिल गया है 3। अब इस इक्वेशन में देखना है, इक्वेशन क्या है, a माइनस b a+b - 4 ये दिया गया है, तो a माइनस b 5 में 3 गए कितना आएगा 2, अब a प्लस बी यानी 5 3 8 और 8 में 4 गए कितना आएगा
चार आएगा, और दो की पावर चार क्या कितना होता है, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 14 के। बहुत बढ़िया वर्षा सिंह, सुनील शर्मा वेरी गुड, विनोद, प्रवीण, प्रशांत, सौम्या दीक्षित वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुपर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर, सब लोग सॉल्व किया करो मेरे साथ में, 21 बराबर 32 की पावर कितना है 3x माइनस कितना है 1 है, ठीक है। तो 32 को हम 2 की पावर में बना सकते हैं बेटा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए देखो, 32 को हम इसे हटा दें तो 32 की जगह हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 5 लिख सकते हैं तो इसमें ब्रैकेट लगा दो, यानी इसको फिर से हम नोट कर रहे हैं, 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 5 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 थी 15, तो 2 की पावर 5 का गुणा 3 से और फिर 5 का गुणा 1 से भी होगा, तो 5 थी 15x माइनस 5 का गुणा 1 से 5 इक्के 5, ठीक है। तो यहां पर दो दो सेम हो गया, काट दो हटा दो, यानी 2x प्लस 21 यहां से क्या मिला, 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5। अब 2x है, अब 15 देखो यहां पर 15x है बेटा, 15x है तो 15 में 2 घट जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा, 13x आ जाएगा, जब 2x 15x में घटेगा तो 13x आ जाएगा कि नहीं, लेकिन माइनस 5 को इधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 5 प्लस में जुड़ जाएगा इधर आके, तो 21 में प्लस का 5 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और जैसे ही 13 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहां पर बी ऑप्शन क्या है सही है, बी ऑप्शन क्या है सही है, बहुत बढ़िया। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे करते हैं, यहां पर क्या लिखा है बेटा 243 की पावर कितनी है n by 5 है, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस पेंसिल को छोटा कर लेते हैं, हाँ। अब क्या कह रहे हैं, यहां पर इनटू लगा हुआ है और 3 की पावर कितना है 2n प्लस कितना है 1 है, ठीक है। बट्टे कितना है, बट्टे तो बट्टे है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ये दिया गया है। तो 243 को 3 की पावर करते हैं हम, 3 की पावर क्या लिखते हैं, 3 की पावर 5 लिखते हैं, 3 की पावर 5 तो गुणा हो जाएगा n बाई 5 से, n बाई 5 ये से ये कैंसिल हो गया इंटू 3 की पावर ये कितना है 2n प्लस 1 है, बट्टे बटे क्या लिखा 3 की पावर, अच्छा 9 को 3 स्क्वायर कहते हैं तो 3 की पावर ये 2n हो जाएगा और इंटू 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। जरा सा इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो 3 की पावर यहां पर तो n ही बचा था, 3 की पावर n और इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 ये है, यहां पर कितना है। अब देखो यहां पर आधार सेम है ना, आधार 3 है दोनों तरफ तो पावर जुड़ जाएंगे 2n प्लस n माइनस 1, तो बटे 3 की पावर 2n प्लस n माइनस 1, तो इधर भी पावर जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार सेम है, तो n और 2n जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3n, यानी 3 की पावर 3n प्लस 1 अपॉन कितना है 3 की पावर 3n माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 3 की पावर 3n माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जैसे ही बच्चा माइनस में होगा तो 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, तो 3n माइनस का 3n प्लस का कट जाएगा, यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 और 1 कितना होता है 2, 3 की पावर 2 आंसर कितना आ जाएगा 3 तरफ को 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलो भाई हाँ, लाइक का बटन दबा दो मेरे शेरो। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, हाँ बहुत बढ़िया। अरुण प्रजापति, सुनील वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ थोड़ा सा कम जूम है, थोड़ा सा देख लीजिए, कल से बड़े बड़े क्वेश्चन हम लिखवाएंगे, कल से क्या करेंगे हम बड़े बड़े क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है, अभी थोड़ा कुछ कोशिश कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। चलो 64 लिखा है, देखो क्या लिखा है, 64 की पावर माइनस 2/3 लिखा हुआ है इंटू 1/4 की पावर कितना लिखा है, माइनस 2 लिखा है, हमने बताया माइनस को केवल चेंज करना है, तुम्हें प्लस में बनाना है, तो ये हो जाएगा 1/64, तो वो माइनस चेंज हो गया, यानी बस अब बचा 2/3, ये माइनस प्लस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू इधर भी तो माइनस लगा है, तो माइनस करोगे पलट जाएगा, इधर प्लस करोगे अगर इसको तो 4/1 हो जाएगा, 4/1 यानी 4 की पावर अब आ जाएगा 2, हो जाएगा इतना। तो बच्चा अब ये 64 को हमें क्या करना है, 64 को 3 की पावर में लिखना है, क्योंकि 3 से 3 काटना है, तो हम कहेंगे 1/4 की पावर कितना कर दो, 4 की पावर 4 कर दो, सॉरी 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, और उसकी पावर कितना है, 2/3 है, होता है कि नहीं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा मेरे लाल, यानी 1/4 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो हम ये कर लें कि 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही आएगा, और ये कितना है, ये लिखा है 64 को हम लिखते हैं 4 की पावर 3 की पावर 2/3, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा 1/4 चौक 16, 1/16 इसको आ गया, अब इधर कर दो इंटू 4 चौक कितना होता है, 16 ही होता है, इंटू इधर भी 16 ही आ गया, 16 से 16 ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, 17 का ए ऑप्शन ए, वेरी गुड सौम्या दीक्षित जी, वेरी गुड, बढ़िया जागृति मेहरा, वेरी गुड शैलेंद्र यादव, सुनील शर्मा जी, बहुत बढ़िया आशीष पाल जी, दीपक आर्या, वेरी गुड विनोद चौहान, बहुत बढ़िया सुपर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, 17 के बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सीरीज बढ़ रही है 100 की पावर 1/2, और देखो यहां से समझते हैं, इसको हम 10 की पावर 2 करेंगे और 2 की पावर, यहां पर 10 की पावर 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर पॉइंट देखो, एक एक को हम सॉल्व करके बता देते हैं, वहां पर लिखते जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, देखो 100 की पावर 1/2 है मेरे लाल, तो 100 को हम 10 का क्या करते हैं, 10 की पावर 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो इंटू 1/2 से गुणा हो जाएगा, 2 से 2 10 की पावर 1 यानी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया तो 10 आ गया। अब आगे चलो और सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चा ये 0.1 × 0.1 × 0.1 करोगे तभी तो आएगा 0.001, 1, 2, 3 तीन अंकों बाद दशमलव लगा है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 0.1 की पावर 3, और उसकी पावर कितना है, 1/3 है, इसकी भी पावर कितना है, 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बस केवल 0.1 बचेगा कि नहीं, 0.1 बचेगा, तो इतने पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, 0.1 लिख देंगे, ठीक है। इतना भी आपको समझ में यहां पर आ गया है। अब आ जाओ इसको हम देखो, यहां पर 0.00 देखो 0.0016 लिखा है, ये कब बनेगा, जब 0.2 का गुणा 0.2 से करेंगे, फिर 0.2 से करेंगे, 0.2 से करेंगे, 2 × 4 × 8 × 16 लिखा, अब 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, 4 अंक बाद, टोटल 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा, तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको हम ये लिख सकते हैं 0.2 की पावर 4। अब वहां की 1/4 और पावर लिखी है, तो 1/4 से गुणा कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 आएगी, यानी माइनस का 0.2, इतने पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 0.2 आएगी। अब 3 की पावर 0 जो है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको तो 1 कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब 5/4 है, यहां पर -1 है, तो पलट जाएगा, 5/4 पलट के क्या हो जाएगा, 4/5 की पावर +1, तो 4/+1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें आपने क्या कर ली है, लिख ली है। अब जोड़ना जोड़ना बचा है, यानी ऊपर है 10, फिर इंटू का निशान लगा है, 10 इंटू का निशान 0.1,
पॉइंट वन, फिर माइनस पॉइंट टू इंटू कितना है एक, ये इंटू में लगा है बच्चा, ये देखो इंटू लगा इंटू तीन की पावर जीरो इंटू एक, प्लस ये केवल कितना है चार बटे पांच, चार बटे, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है चार बटे पांच, ये आ गई है। चलो देख लेते हैं कौन सा आंसर आएगा, दस का एक से गुणा किया तो एक ही आ गया, माइनस का पॉइंट टू प्लस चार बटे कितना आएगा पांच। तो भैया इसको सॉल्व करना है हमें, तो पांच के पांच माइनस पांच दूना दस एक प्लस कितना आ जाएगा चार बटे पांच, तो पांच चार नौ, नौ में एक गया आठ बटे पांच, और आठ बटे पांच का मतलब है पांच इक्के पांच और पांच छक्का तीस 1.6, यानी ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, हाँ वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1.6 आएगा, बढ़िया सुनील शर्मा जी आपका सही है, जागृति मेहरा जी वेरी गुड। देखो आठ बटे पांच है ना, तो पांच इक्के पांच बचा तीन, तो दशमलव तीन में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाया तो तीन में एक जीरो मिल गया, तीस हो गया पांच छक्का तीस, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो पांच अंकों के बाद लगा हुआ है, पांच अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी और 32 को हम 2 की पावर 5 भी लिखते हैं, तो पॉइंट 2 की पावर कितना है, 5 है, और इसकी भी पावर कितना लिखा है पॉइंट 6, और पॉइंट 6 का गुणा जब 5 से करेंगे तो पॉइंट 2 की पावर 3, 30 होता ना तो 3.0 आ जाएगा, और बेटा जब इसका आंसर हम निकालेंगे तो पॉइंट 2 की पावर 3, 3.0 का मतलब 3 होता है, यानी पॉइंट 2 को हमें 3 बार गुणा करना है, 2 दुना 4 दुना 8, और कितने अंकों बाद दशमलव लगेगा 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव टोटल लगेगा, तो 1 2 3 0.008, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है 19, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई जल्दी से, कोई सोएगा नहीं, धमाकेदार नींद तो हमें भी आ रही, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, इतना जोश तो क्या करना है, आवाज जरूर धीरे हो गई है लेकिन समझाने का तरीका अभी भी वही है, ठीक है, समझाने का तरीका अभी भी हमारा वही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो देखो 0.000, अच्छा सेम है क्वेश्चन भाई, सेम है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 फटाक से आंसर दो, ये भी शायद सेम क्वेश्चन है, इसका कितना आएगा, इसका कितना आ जाएगा 4, 36 दूना 72, हाँ 4 आ जाएगा इसका, चलो कर लेते कैसे 4 आएगा, तो 16 की पावर कितना है 0.36 है, इंटू 256 की पावर 0.07 है, 256 को हम 4 की पावर 4 लिखते हैं, 256 को पॉइंट ऊपर कितना है 0.07 है, इंटू इसको हम क्या 4 की पावर में तोड़े तो 4 की पावर 2 लिखेंगे, 4 की पावर 2 और पॉइंट कितना है 0.36 है, तो 36 दुना 72 यानी 4 की पावर कितना आ जाएगा 0.72 आ जाएगा, 36 दुना 72 गुणा कर देंगे 36 का 2 से, 36 दुना 72 इंटू 4 सत्ते 28 यानी 4 की पावर 0.28 और 0.28 0.72 यानी यहां पर आ जाएगा 4 की पावर 1.00 100, तो 100 को 2 अंकों के बाद क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे, और 4 की पावर अगर 1 है तो इसको हम 4 कहते हैं, ए ऑप्शन क्या है सही है, ए ऑप्शन क्या है सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 22 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 भागित 5 की पावर 8 का मान निकालिए, का मान बताइए, तो कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं देखो यहां पर 5 की पावर 7 4 इंटू में पावर जुड़ जाती है तो 7 4 कितना हो जाएगा, ये इंटू लगा है आधार सबका सेम है तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, इंटू में पावर जुड़ जाती है तो 7 4 11, लेकिन अब लगा है डिवाइड, डिवाइड में
पावर घट जाती है, तो अब ये माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 11 में 8 है बच्चों, कितना आएगा, 3 आएगा, तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। 5 तो है, तो 5 तो हमने पहले ही ले लिया, अब पावर को जोड़ना घटाना है, तो 7 4 11, 11 में 8 गया 3, और 5 की पावर 3 बच्चों होता है कितना, डी 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। विनोद चौहान जी वेरी गुड, अरुण प्रजापति, आशीष गौतम बहुत बढ़िया, दीपक आर्या, आशीष पाल, चंचला निंगवाला, सर कितने क्वेश्चन बाकी हैं, हमारा डाटा खत्म हो गया है। कोई नहीं चंचला निंगवाला जी, आप परेशान नहीं होइए, कल देख लीजिएगा, किताब तो मैं पूरी खत्म करूंगा। अब कहा है, अब आपसे वादा किया है, तो पीछे कैसे हट सकता हूं, ठीक है, पीछे कैसे हट सकता हूं। आप लोगों की आदत होगी कि हम कह के पीछे हट जाएं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये क्लास कब से चल रही है, ठीक है। हाँ चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। आज पूरा टारगेट करके आया था, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, नहीं तो अगर 8 बजे चलती तो अब तक पूरे क्वेश्चन हम खत्म कर चुके होते, ठीक है, लेकिन नेट का इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो बढ़िया से पढ़ेंगे। बेटा सुनील शर्मा जी बिल्कुल, आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप जा सकते हैं, ठीक है, क्लास हाँ 10 मिनट बाद नया डाटा आ जाएगा। 11:50 तो हो ही गया है भाई, 8/125 माइनस 4/3 को सरलीकृत कीजिए, तो भैया 8 बटे क्या है 125 है, और इसको हमने कर दिया माइनस का 4/3। बच्चा माइनस को पहले प्लस करना है, तो जैसे ही प्लस करेंगे तो अंदर के अंदर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा सब कुछ, यानी 125 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि पहले जो माइनस था उसको हमने क्या किया है, केवल प्लस में किया, इधर माइनस के 4/3 प्लस के 4/3, तो 8/125 था वो पलट गया, 125 बटे कितना हो गया, 8। अब 125 बटे 8 को, 125 को हम 5 की पावर 3 कहते हैं और 8 को हम 2 की पावर 3 कहते हैं, तो हम दोनों को अगर कहें तो हम कह देंगे 5/2 की पावर कितना, 5/2 की पावर कितना, दोनों की पावर 3 है तो 3 सबके ऊपर चढ़ा दिया 3, और इनटू कितना है ये 4/3, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 5/2 आ गया है, यानी 5 की पावर 4 625 होता है, बटे 2 की पावर 4 2 × 4 × 8 × 16 होता है 625/16, 625/16 आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सुनील शर्मा, अरुण प्रजापति वेरी गुड, देवेंद्र शर्मा जी आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, जागृति मेहरा जी वेरी गुड, अरुण प्रजापति लेट हो गया हूँ सर, हिमांचल, संजय सिंह गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग संजय कुमार जी, बहुत लेट हो गए आप तो, चलो थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गई है, मैं सर से कहना चाहता हूँ बैटरी लगाएं वो जरा सा, ठीक है, देखो बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है अभी, बस थोड़ी देर में, हाँ बस कैमरे की बैटरी चेंज की जाएगी, अथर्व कुमार जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चेंज कर लेंगे, आगे आ जाओ सरल कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, तो देखो ये चीज मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो, लेकिन मैं इसको लिख देता हूं, ये 3 है यहां पर 6 है, यहां पर 5 की पावर क्या है बच्चों, 9 है, ठीक है, और उसके ब्रैकेट लगा हुआ है, उसका ब्रैकेट कितना लगा हुआ है, 4 का, पहले एक सॉल्व कर लेंगे उसके ऊपर लिख देंगे वैल्यू, फिर उसके बाद दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो ये लिखा है तो हम केवल इसको हटा रहे हैं, इस वाले को थोड़ा सा दूसरे से सॉल्व करते हैं, इस वाले रूट को, क्यूब रूट को हटाएंगे, तो क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर 1/3 में चेंज हो जाती है, किस में, पावर 1/3 में चेंज हो जाएगी, तो हम इसको लिख लेते हैं 6, 5 की पावर 9, पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1/3, पावर कितनी हो जाएगी 1/3, और उसके ब्रैकेट में ये अब 4 लगा हुआ है तो ये तो इंटू 4 हो गई ही, है ना, ब्रैकेट में चल रहा है इंटू 4 हो गई, अब ये 6 है ना, अब इसको हटाएंगे हम, किसको, इस वाले रूट को हटाएंगे, 6 वाले को, तब क्या हो जाएगा, यहां पर देखो
ये 6 1/6 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 9, और ये 6 है तो 1/6 हो जाएगा, यानी फिर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/6, 1/6 हो जाएगा, और ये इंटू 4 तो चल ही रहा है इंटू 4। बात इतनी समझ में आ रही है? तो ये भैया 5 की पावर 9 से ऊपर गुणा होगा, तो हम जान जाएंगे 5 की पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। तो 3 त्रिकोण 9, 3 दूना 6, 2 से 2 का सिल, 2 दूना 4, केवल बचा कितना 2, यानी 5 की पावर 2 पचम कितना होता है 25 होता है, पचम 25, यानी 5 की पावर 2 ही आपको आंसर भी मिल गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे अभी तो यही सॉल्व किया है तो 5 की पावर 2 ही आया है, कितना आया है 5 की पावर 2 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5 की पावर 2 आया है तो 5 की पावर 2 तो यहां से मिला है मेरे लाल, 5 की पावर 2 यहां से मिला है। तो अब देखो यहां पर 6 है, 3 है, 6 3 18, फिर 9, फिर 4, वही सेम है, तो 5 की पावर यहां से भी हमें कितना मिल जाएगा 2, और इंटू है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यानी सेम होने पर हम क्या कर देंगे 5 की पावर 4 आपका आंसर दे देंगे, यानी 24 का कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, 24 का कौन सा सही है, सी ऑप्शन 5 की पावर 4। हाँ 625, वेरी गुड बागी बलिया जी। हाँ हमने केवल इसकी वैल्यू रख दी थी, केवल एक की वैल्यू रख दी थी, ऐसा देखो ये भी सेम ही है, देखो 6 3 है, बस 6 3 पलटा है, लेकिन सब 1/3 1/6 ही तो आएगा, तो सेम ही रहेगा, है ना। तो 5 की पावर 2 आपका इससे निकला, 5 की पावर 2 आपका इससे निकला, 5 की पावर 2 5 की पावर 2 इसमें घाते से सॉरी आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएंगे 2 2 4, 5 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, लो ये देखो, ये तो क्वेश्चन हमने सेम ही करना है, ये तो सेम ही करना है, देखो 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 32 होता है, कितना होता है 32 होता है, तो इसको हटा दो, हमें बताया 2 का गुणा 1 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, जितने रूट है उतने 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, नीचे 2 रख दो, ये वाला 2, ये 2, और 32 में कम करके ऊपर कर चढ़ा दो 31, आंसर कितना आएगा 2 की पावर 31/32, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, 31/32 है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। टाइम ज्यादा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, 12 के बाद भी जब हम पढ़े तब तो हमको लगेगा कि हाँ सही से पढ़ा जा रहा है। देखो जब हमने बताया है ये सवाल √2 √2 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है √2 √2 सब बढ़ रहा है, ठीक है, तो 2 के ऐसे फैक्टर करो, तो हम कहेंगे सर जी 2 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें अंतर 1 का हो, तो 2 × 1 होगा। अब प्लस में है तो प्लस वाला एक आंसर हो जाएगा, प्लस वाला यानी बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, तो बड़ी वाली 2 तो हो जाएगा, लेकिन 1 का प्लस में आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, एक आंसर क्या होगा 1 का माइनस में होगा, यानी -1 में आंसर होगा, तो 1 2 आएगा और 1 -1 आएगा, 2 आएगा 1 -1 आएगा, यानी ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, 2 और -1। जो शुरुआत से जुड़े हैं बच्चे उनको समझ में आया होगा ये कि कैसे हम कर रहे हैं इसको, है ना, चलो बढ़िया, 2 नहीं 2 के साथ -1 भी आएगा। 27 के बाद 27 पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, तो 12 के भी ऐसे फैक्टर करो, तो 12 के ऐसे फैक्टर क्या होते हैं 3 × 4 होते हैं, कि अंतर इनका 1 हो, अंतर इनका 1 है, प्लस लगा है तो 4 आपका एक आंसर हो गया, लेकिन माइनस में भी अगर 4 ऑप्शन में ना होता तो एक आंसर होता, 3 तो आंसर होगा ही नहीं, 3 नहीं होगा, लेकिन एक आंसर इसका माइनस में आएगा, -3 एक आंसर होगा, एक आंसर -3 होगा, एक आंसर 4 होगा, तो आंसर क्या सही है, बराबर है किसके 4 के बराबर है, -3 तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 के बराबर है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 6 6 6 ये बढ़ रहा है, तो 6 के इसे फैक्टर करो, तो हम कहेंगे सर जी 2 × 3 होता है, 2 × 3 होता है, लेकिन यहां पर प्लस का निशान है, तो बड़ी वाली वैल्यू एक आंसर हो जाएगी, बड़ी वाली एक वैल्यू आंसर हो जाएगी, ऑप्शन में क्या है डी बिल्कुल सही है। अगर माइनस में आंसर पूछते तो 2 प्लस में आंसर तो होगा ही नहीं इसका, लेकिन एक आंसर और हो सकता है वो -2 में, किसमें -2 में, तो बात ये समझ में आ रही है, बात ये समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया।
चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 29, 29। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, अगर याद नहीं कर सकते हैं तो हमने एक फार्मूला आपको बताया है। क्या वो फार्मूला है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4a, अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। ये फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगा दो? ये, क्योंकि एक के हम ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते हैं जिनका अंतर एक हो, है ना, तब ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। कोई बी स्क्वायर धराचार्य वाला फार्मूला सही है, लेकिन उतनी मगजमारी हमें नहीं करनी, यहीं से हमको पता चल जाएगा ए की वैल्यू कितनी है, एक है, कितनी है, एक है। तो 4 × 1 = 4 यानी 1 प्लस ले लो यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 4 = 5 √5, √5/2 कितना आ जाएगा, 2। अच्छा देखो यहां पर √5 की वैल्यू 2 × 4 होता है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगी, 2.3 मान लो, कितना है, 1 प्लस 2.2 मान लो इसको, बटे कितना, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगी, और इसको सॉल्व की काटा तो कितनी आ गई, 1.6। तो देखो एक से बड़ा है, एक के बराबर है, गलत। 0 तथा 1 के बीच में एक से बड़ा है, ये भी गलत। 1 तथा 2 के बीच में, हाँ, 1.6 1 तथा 2 के बीच में होता है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। वेरी गुड प्रशांत पाल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। हाँ, तो बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई आप सभी को। चलो अगले क्वेश्चन पर, तीसरा नंबर भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये भी कह रहे किसके बराबर है। तो ये तो बड़ा सरल है, 2 को हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 1 अब प्लस वाला है, यहां पर प्लस देख रहे हैं, सब में प्लस प्लस बढ़ रहा है, प्लस प्लस बढ़ रहा है, तो बड़ी वाली आंसर हो जाएगी, बड़ी वाली वैल्यू। तो आंसर कितना है, 2 है, आंसर कितना है, 2। किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है, किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। निधि पाठक जी आज रात तक पढ़ाएंगे। चलो 30 के बाद आ जाओ 31 पे, ये भी बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, 2 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू, प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाकेदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखो भैया, क्या 3 के फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, 3 के फैक्टर 1, 3 हो सकते हैं। तो हमने बताया है जब फैक्टर ना हो तब आपको एक फार्मूला लगाना है, 1 प्लस माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 1 प्लस 4a/2 डिवाइड कर देंगे। चलो देखो भैया, देखो 1 प्लस 4a है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 है ना, तो a की वैल्यू कितनी है, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 13/2 कितना आ जाएगा, 2। तो 1 प्लस √13/2, तो √13 को देखो, 3 × 9 4 × 16 यानी 13 को 3.6 हम लिख सकते हैं, 3 × 9 तीन बार जा रहा, 3.5 भी लिख लो, 3.6 लिख लो, और प्लस कितना है, 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3×1 = 4.6, 4.6/2 ये कितना आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा, 2.3 यानी 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, ठीक है, ये 2 से बड़ा कह रहे हैं, नहीं 4 से क्या कह रहे हैं, छोटा है, और 3 से बड़ा है, 3 से तो बड़ा है नहीं, ये 3 से तो बड़ा है नहीं, हटा दो, बराबर भी नहीं है, ये भी हटा दो, 3 से छोटा है ए, हाँ 3 से क्या है, छोटा है, तो 3 से ये छोटा है अभी, ठीक है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है, तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, 2 से बड़ा भी है और 3 से क्या है, छोटा है, यानी सी ऑप्शन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन क्या है, होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 32, 32 का आंसर मैं देख लेता हूँ, 32, हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो देखो भाई 2.6 कहां पर बैठ रहा है, 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 2.3 आ रहा है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। बहुत बढ़िया,
चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलो 35 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद घर से हम लोग कल कर लेंगे पूरे क्वेश्चन, है ना। 6 6 6 है तो 6 को हम कह सकते हैं ना 2 × 3, 2 × 3 के फैक्टर कर सकते हैं, प्लस का है तो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी आंसर, बड़ी वाली वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि प्लस में है, प्लस में बड़ी वाली वैल्यू आंसर होती है, माइनस में छोटी वाली होती है। तो आंसर कौन सा सही है? 3। आंसर कौन सा सही है? 3। बहुत बढ़िया संजीत कुमार जी, समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया, हमको उनके कमेंट ज्यादा अच्छे लगते हैं जो कहते हैं समझ में नहीं आया। चलो 144 है, 144 को हम क्या लिखते हैं, 12 12 में 144, तो 12 इसमें जोड़ दो बच्चा, और 12 और 52 जैसे ही जोड़ोगे तो 64 आएगा, कितना आएगा 64, और जब 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 8 8 आता है, 8 आएगा। अब जैसे ही 248 में 8 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 6, हाथ लगे 1 5, 256 आ जाएगा। तो भैया 256 की आपको वैल्यू बतानी है, 256 की होती कितनी है, तो भैया दो किसकी होती है, 16 का होता है ये स्क्वायर डी, 34 का क्या आ जाएगा डी। 35 नंबर जल्दी से क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग। यहां पर कितना है, 1000 है, 1000 नहीं होगा यहां पर 10000 होगा बच्चा, कितना होगा 10000 होगा, इसको सही कर लेना, यहां पर 10000 होगा, ठीक है। तो 10000 है, 10000 से हम 10000 से क्या निकलेगा, 100 × 100 की पेयर बनेंगे, तो 10000 से निकलेगा 100, और 44 और 100 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, और 144 में भैया जुड़ेगा क्या, 4 जुड़ेगा, और उसके ऊपर क्या है, रूड है, 144 और 4 कितना आ जाएगा 4 4, 144 और 4 कितना आ जाएगा 12, और 12 4, अच्छा हाँ ये तो 12 आएगा ना, 144 का बाहर निकलेगा तो 12 आ जाएगा बच्चा, 12 4 कितना आएगा 16, और स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू कितनी है 8 है, सॉरी देखो दिमाग भी नहीं चल रहा है, बताओ सोने का मन कर रहा है तो दिमाग भी नहीं चल रहा है। तो 16 अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 × 16 यानी 4 आ जाएगा, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। कौन सा, प्लस का 4, प्लस का 4 सही है। 35 का सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी है जल्दी से बता दीजिए, और लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाइए, ठीक है, लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज काफी लेट क्लास हो गई है। हाँ सर आपकी क्लास तो 8 बजे रहती है ना? हाँ बिल्कुल रहती है, 8:30 बजे से क्लास है, 8:30 बजे से क्लास है, कल आप कम्युनिटी पर चेक करिएगा, और सभी लोग ये जो मैराथन क्लास है इसको जरूर लेना है। मैराथन क्लास जो जीएस की आपको कितने बजे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्लास दिख रही है ना, यहाँ पर क्लास दिख रही है महामेगा मैराथन करेंट अफेयर्स की, और ये जो करेंट अफेयर्स की क्लास चालू हुई थी बच्चों, ये चालू हुई थी 8 फरवरी से 13 फरवरी तक, आज भी करेंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी मॉर्निंग में, तो ये सबका पूरा निचोड़ करके आपको कल संडे को दिया जाएगा, और इसमें करेंट अफेयर्स में करेंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, करेंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक जीके है उस पर मेन फोकस किया जा रहा है, जो सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, स्टैटिक जीके सब में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये क्लास बिल्कुल चूकेंगे नहीं, बढ़िया मैराथन क्लास है, आपको ये 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे से प्लस क्लास चलेगी ये, तो आप लोग सुबह से ही जुड़ जाइएगा, कितने बजे से 8:15 पर टाइमिंग पड़ी हुई है, सुबह 8:15 पर फुल टू फुल रिवीजन है। देखो लिखा भी है ना यहाँ पर राघव सर के द्वारा लिखा गया है, अच्छा पढ़ना है तो ही आना मेरे पास, क्योंकि कूड़ा पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है, वो वही पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन सीधा आपकी परीक्षा में छपेंगे, वही क्वेश्चन बस पढ़ाएंगे। तो कोशिश करिए कि आना जरूर है सबको, क्या है, आना जरूर है, बस वही जो परीक्षा में सही। दोस्तों बताओ कैसी क्लास लगी है, बहुत बढ़िया, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं ये भी बता दीजिए। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ही क्लास खत्म होती है तो गायब हो लेते हैं, तो ये भी एक गंदी आदत है, क्योंकि आप लोग ये समझिए कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आप थोड़ा सा रुक के हमारी बातें भी नहीं सुन सकते तो गलत बात है ना। चलो मैं रोक नहीं पाऊंगा, मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से मैं चल रहा हूं, आप चाहोगे तो पॉज कर दोगे, आप चाहोगे तो फिर वहीं से कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। हम आप चाहोगे कि हम बोले तो हम बोलेंगे, आप चाहोगे नहीं बोले तो हम नहीं बोलेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको बातें हमारी अच्छी लगती हैं तो बढ़िया है, ठीक है। तो हम तो आपके हित के लिए ही सोचेंगे, और हित हमारा क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी लगे, ठीक है।
चलो बढ़िया, ठीक है। तो सब लोग 8:15 पर आएंगे, तो जल्दी से थम्सअप करो, कौन कौन 8:15 पर कंटिन्यू क्लास लेगा। हाँ, आकाश प्रताप यादव जी कह रहे हैं, सर हम आप लोगों के साथ ही वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे, धन्यवाद। तो हमारे साथ जो जो सेलिब्रेट करेगा वो कल मिलेगा हमसे जरूर, ठीक है। और जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा तो उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि कहीं वो पकड़े ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कल होता है ना, बजरंग दल वाले भी उस दिन सक्रिय हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, काफ़ी हद तक डराती हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए घर पे रहिए और अच्छे से माता पिता के साथ वैलेंटाइन बनाइए और बढ़िया खुश रहिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।